बसमिल وشر الأمور محدثاتها وكل مُحْتَثَةٌ بِدْعٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح صدري ويسر لي امري वहसानज वजलफिलक़र मजीदीद उजबिल्लैतम बसमिलहीम फ़ालमल अमाबाद तमाम तारीफ़ें उसल के लिए लाइक वजेबा है जो तमाम जहनों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है और दरूदम उसके आखिरी नबी मोहम्मद महम्मदली वल्म पर अलहदिल्ला हम तमाम यहाँ इस हफ्तेवारी दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं इन शज़ीज़ इस मुख्तर से वक्त में मैं आप तमाम के सामने इनशा लज़ीज़ आज इस मख्तर से वक्त में मैं आप तमाम के सामने एक बहुत ही बेानतहा अहम मजमून टॉपिक पर जो है रोशनी डालने की कोशिश करूँगा और वह एक ऐसा एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा और आपका बेस है बुनियाद है हमारे दीन की हमारे इस्लाम की और आज मैं उसके शराइ या उसके तल्ल से उसकी अहमियत पर बात नहीं करूँगा इन सिर्फ उसकी फजीलत पर है और आज का मेरा इन शजीज़ नवान होगा कलम तोहद की फजीलत या कलम तयबा ला की फ़जीलत या कलम तोहद ला ला की फजीलत इसलिए कि कलम तोहहीद ला इस्लाम की बुनियाद है ये इस्लाम का बेस याद रखें जो शख्स इसको मानता है इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है वो जन्नत में जाएगा शख्स इस कलमे का इनकार करता है इसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी नहीं होती है वो जहन्नुम में जाएगा। तो मतलब कितना कितनी बुनियाद और कितनी अहम चीज़ है ये कलमा जिसका माना होता है नहीं कोई मबूद बरहक सिवा अल्लाह के ला 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 नहीं कोई मबूद बरहक सिवा अल्लाह के ठीक ये इसका माना होता है इस कलमे में देखिए पहले आप नफ़ी है ला इलाहा हम सारे मबूदान बातिला का इनकार करते हैं फर्स्ट पहले इनकार है कि नहीं कोई माबूद बरख मतलब पहले डिनाइल है पहले इनकार है मतलब दुनिया की हर वो चीज़ जिसकी इंसान परस्तिश करते हैं इबादत करते हैं उसके सामने झुकते हैं उन तमाम की सबसे पहले हम इनकार कर नफ़ी कर देते हैं नहीं कोई माबूद बरह फिर कहते अः सिवाय अल्लाह अल्ला रबत के तो गोया पहले नफ़ी है फिर इस बात है पहले इनकार है फिर अकररार है ये बड़ी अफसोस की बात है जब कलमे का माना मुसलमान नहीं समझते तो पहले इकरार करते और फिर इनकार करते अपने अमल से अक्सर मुसलमान ला पढ़ते तो हैं लेकिन कलमे का अकरार जबानी तो करते हैं लेकिन ज़िंदगी में अमल उल्टा है पहले अल्लाह का अकरार करते और बाद में हर चीज़ उसके साथ मानना शुरू कर देते हैं जबकि कलमे का माना है पहले हर चीज़ का इनकार कर दो जो, जो चीज़ों की बात अल्लाह को छोड़ कर होती है उसके बाद इकरार करो अल्लाह का बहर यार ये इसका मुख्तर सा माना है इस कलमे का अल्लाह रबुलज़त ने सूर महमद सूर नम सैतालीस उसकी आयत्मा उन्नीसवें फरमा कहा फ़ालम नबी अक्रम सला वसम को बता दिया आ गया कि पस ए नबी तुम इस बात को जान लो इस बात को तुम जान लो इस बात को तुम समझ लो फ़ालम इस बात का इल्म हासिल कर लो ए नबी आप गोया नबी के ज़रिए उम्मत को भी तालीम दी जा रही क्या इल्म हासिल करो फ़लम अन्य तुम ये जान लो कि नहीं कोई मामूल सिवाय अल्लाह के बरख मतलब नबी अकरम सल्हम को हुक्म दिया कि ए नबी इल्म हासिल कर लो इस चीज़ का फ़ाअलम तो बस आप नबी इल्म हासिल के किस चीज़ का ला कि मैं एक हूँ मेरे सिवाय कोई मबूद बरहक़ नहीं है मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल रब्ज़त ने हुक्म दिया कि आप इसका इल्म हासिल कर लीजिए इस बात को समझ लीजिए इस बात को अपनी उम्मत को बता दीजिए और गोया हमें भी आयत कहती फ़ालम देखिए अल्लाह पर ईमान लाने से पहले इल्म ज़रूरी है इसीलिए पहले का कहा इल्म हासिल कर ले ला क्या हासिल कर ले कि अल्लाह के सिवाय कोई महबूदे बरहक नहीं ला इला कोई मबूद नहीं सिवा अल्लाह के कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तो गोया तौहीद का मामला दीन इस्लाम का मामला इल्म पर टिका है जहालत पर नहीं इसलिए का कहा इल्म हासिल कर लो इस बात का ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये बहुत अहम चीज है अब अगर कोई मुसलमान कहे नहीं मुझे तो मालूम ही नहीं था ये शिर्क होता है मुझे तो मालूम नहीं था यह कलम तोहद की अहमियत थी या ये कलमा है इसका ये माना है तो नहीं चलेगा इसलिए कि जब कोई इंसान इकरार करता है तोहद का तो फ़ालम अल्लाह ने कहा इल्म हासिल कर लो इस मसले का कम अज़ कम ला इलाहा इल्लल्लाह ये सबसे चूंकि बुनियादी चीज़ है अगर एक इंसान को कुछ भी

इसका आर्गज मतलब नहीं कि इंसान जो अपने गुनाहों की वजह से जहनुम में नहीं जाएगा लेकिन नजात कभी ना कभी तो होंगी लेकिन जिसको ये ना पता और बाकी सब पता हो तो उसके लिए नाकामी ही नाकामी है याद रखिए हाँ आजाब हल्का हो सकता है लेकिन उसके लिए कामयाबी नहीं और कामयाबी से मुराद मैं आखिरत की कह रहा हूँ दुनिया की नहीं दुनिया में तो हो सकता है दिन छोड़ के आदमी बहुत कामयाब कहलवाए या कहा जाने लगे या लोग पहचाने लेकिन हम आखिरत की बात कर रहे हैं तो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का भी इल्म हो जाए तो वो कामयाब हो सकता है सिर्फ़ लेकिन अगर ये इल्म ना और बाकी सब भी हो तो इंसान नाकाम हो जाता है ये बात बहुत अहम है और इस कलमे को हमको यकीनी तौर से समझना है ये कलमा दीन इस्लाम की रूह है याद रखिए अब आप कहेंगे मोहम्मद रसुल्ला मैंने क्यों गायब कर दिया इसमें से मेरा चूंकि एक वसी है मैं आदम अलैहि सलाम से लेकर आसम तक आ रहा हूँ हर दौर में अम्बियाओं के नाम बदलते रहे कलमे की शुरुआत वो वहीदा अल्ला आदम ने भी ला इला कहा नूह ने भी ला कहा साले ने भी ला आलाह आलाह कहा सलाम ने भी ला कहा तमाम अम्बिया जितने आए सब की दावत ला इला ही थी उसके बाद वक्त और ज़माने के नबी के अतबार से वो नवत के अतबार से मूसा रसोल्लह थे कभी इब्राहिम रसोल्ला थे कभी नूह रसोल्ला थे कभी साल रसोल्ला थे कभी हूद रसुल्ल थे वो बदलता रहा लेकिन असल जो चीज़ रही जो अहम है वो है ला ला और चूंकि हम आखिरी नबी की उम्मत ये तो हमारे लिए मोहम्मद रसोल्ला इसमें इजाफा होता है वरना यह जुमला ला इला कलम तोहीद ये शुरू आदम सलाम से यही रहा मोहम्मद सल्ला वम तक इसीलिए हम कलम तोहहीद में सिर्फ इतना जुमला लाए वरना आप कहेंगे मोहम्मद रसलोल्ह क्यों गायब कर दिया चूँकि हम जब दूसरे अम्गियों की बात करेंगे तो फिर वहाँ मोहम्मद रसोल्ला की बात नहीं आएंगी सल्ला वम तो असल कलमा जो अहम है वो है तलमा तोाहद वाला कल में तय्यबा उसकी फजीलत ला इला की क्या है आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखने की जो है बहरहाल कोशिश करूंगा और ये इतनी अहम चीज़ है इतनी अहम चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल रब्लत ने जब आदम सलाम को बनाया और इंसानों को दुनिया में भेजना चाहा तो उन इंसानों को जो पहली तालीम अल्लाह रब्बुल रब्ल ने दी वो तालीम भी क्या थी ला इलाहा इल्लल्लाह आप कहेंगे तालीम कब मिली हमको आइए उस वाकई को हम याद करते हैं जिसको अहद अलस्त के नाम से हम पहचानते हैं अल्लाह इज़त फरमाता है सुर आराफ सूर्य नंबर सात उसकी आत सेवन टू में अल्लाह फरमाता है इसको अहद अलस्त कहते हैं एक वादा था जो हमने अल्लाह से किया था और वो आलम अरवा मतलब हम हकीकी उसमें नहीं थे रूह के शक्ल में थे ये कब वो आइए सूर्य आराफ में अल्लाह रब फरमाता और कहता है वज्बू व वश अल्ह रब फरमा कहता है वजु रबू का और तुम याद करो जब तुम्हारे रब ने निकाला आदम की पुश्त थे उसकी पूरी जरूरत जो दुनिया में आने वाली है एक मुकाम था आलाम अरवाह जिसको कहते हैं एक मुखाम था अल्लाह रबुल्जत ने आदम को बुलाया और उनकी पुश्त पीठ पर हाथ फेरा तो सारे ही औलादे जो उनसे पैदा होने वाली थी निकल कर आ गई और खड़े होगी और उसी शक्ल में हदीस माता जिस शक्ल में दुनिया में आज हम हैं सब खड़े हो गए पूरे लोग इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम से पैदा होने वाले थे आदम अलैहिस्सलाम की बात से लेकर आखिरी बच्चा जो दुनिया में आने वाला है सबको अल्लाह ने निकाला जरूरी तो हम सारों को निकाला उनकी पीठ से और कहा वह अशहद और फिर उनसे गवाही दिलाई और उनसे पूछा अला अनफुम ताकि वो गवाह रहे अपनी नफ्सों पर रोज ख़ैमत खुद सेल्फ विटनेस बने अपने आम पर क्या पूछा उनसे अलस्तु तु भी रबी कुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं इसको अहद इसलिए कहते हैं अलस तु भी रबी कुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं तो सारों ने कहा हम लोगों ने बला शहीद ना हम सब ने गवाही दी थी अल्लाह तो ही रब काफिर हो फास हो फाजिर हो नबी हो रसूल हो नेक हो साले हो शहदा हो वली हो सब जमा थे एक जगह चोर हो उचक्का हो जानी हो डाकू जैसे मरे सब जमा थे सबको अल्लाह ने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं हम सब ने गवाही दी तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सबसे पहली गवाही हमसे ली हमको अपने खिलाफ विटनेस बनाया वो क्या थी अल्लाह एक अलस्तु तु भी रबी कम क्या मैं तो इसीलिए अलस्त कहते हैं इसको क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं हम सब ने कहा अल्लाह तू हमारा रब है तो गोया कलम तोहहीद की अहमियत तो यह है कि हम सबसे गवाही वहां ले ली गई इस ताल्लुक से और इस ताल्लुक से एक हदीस भी आती है जो मुस्न्द अहमद के ज़वाद में जमा की गई है हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं कि अल्लाह ताल, अल्ला, ताला अल्लाह तबारक तेसन फरमाते आदम वसलम के पीठ पर हाथ फेरा इस आयत की तफसीर में बात आ रही है पीठ पर हाथ फेरा तो क़्यामत तक पैदा होने वाली सारी रूहें निकल कर आ गई सब जो पैदा होने वाले थे सब निकल कर हम सब आ गए तो इनकी अलग अलग जमातें जो है मुतफरक कर दी गई अम्बियाओं की जमात काफिरों की जमात शहदाओं की जमात वलियों की जमात सालहीन की जमात अल्लाह ने सबको अलग कर दिया और मुसलमान काफ़िर सबको नेकोकार बदकर सबको अलग अलग कर दिया फिर हर एक की वैसी ही सूरतें बनाई जैसी दुनिया में बनाई गई है मतलब हम वहाँ उसी सूरत में थे जैसी सूरत में आ जाए हम सबको बनाया गया उसके बाद आप फरमाते हैं और जैसी दुनिया में बनाई जो है मंजूर थी फिर हर एक को बोलने की क़ुत अता की और हर एक को बोलने की क़ुत दी कि तुम बोलो उसके बाद अल्लाह ने सवाल किया आलस तो भी रब कुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ तो फिर आप स्न फरमाते क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ सब ने कहा आप हमारे रब व मालिक वो मुख्तार हैं अल्लाह ताला ने फरमाया सातों आसमानों सातों ज़मीनों और तुम्हारे बाप आदम को तुम पर गवाह बनाता हूँ सातों आसमान और सातों ज़मीन और आदमी स्ल्लाम तुम तीन लोग इन पर गवाह हैं ना कि इन सब ने कहा कि मैं इनका रब हूँ तो ये सब गवाह बन गए ज़मीन बन गई आसमान बन गए और आदमी इस्लाम बन गए तो आपने कहा बाप को तुम पर गवाह बनाता हूँ कि तुमने मेरी रुबूबियत का इकरार कर लिया है ऐसा ना हो कि तुम कहने लगो हमें ख़बर ही ना थी ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में जाओ और आकर फिर मुझसे कहो कि हमको तो मालूम ही नहीं हुआ और फिर अल्लाह रब ख़बर ना थी कि हमने इससे नावाफ़ थे एमु अनःला गैरी तो उसके बाद आप फरमाता यकीन तुम जान लो कि मेरे अलावा कोई तुम्हारा इबादत का मुस्क नहीं है अल्लाह ने उनसे ये कहा कि ऐसा ना दुनिया में जाओ मनमानी करो जी कर आओ फिर मरने के बाद उठाए जाओगे तो कहो अल्लाह हमको तो पता ही नहीं था तू रब है तो लिहाजा उनसे गवाही ली और उन्हें कहा गए एलमू तुम जान लो इस बात को कि मैं ही सिर्फ़ तुम्हारा रब हूँ हम सब ने रोज़े आलम मतलब अरवा हमें दुनिया में आने से पहले गवाही दी अल्लाह तू हमारा रब है फिर आप फरमाते हैं मेरी इबादत के अलावा तुम्हारा तुम्हारी अल्लाह ने फरमाया अलावा कोई इबादत का मुस्क नहीं और ना मेरे अलावा कोई रब है मेरे साथ किसी को भी शरीक ना करना इस क़ौल करार के याद दिलाने के लिए मैं तुम्हारे पास अम्बिया रसूल भी भेजूँगा यह अहद अलस चूँकि हम आला में अरवा में हमने कहा हमारी रूहों को ये गवाही याद हैं लेकिन हमारे जहन भूल चुके हैं तो अल्लाह रब्जन ने फरमाया कि मैं तुम्हारे जाने के बाद फिर रिमाइंडर के लिए एक अभियो को भेजूंगा रसूलों को भेजूंगा किताबें भी उतारूंगा ताकि ये मैसेज वक्तन फवक्तन फ़वकाता पैगाम वक्तन फवक्तन ला अला का रिपीट होता रहे तुम इंसानों के सामने तो मैं जो है किताबें उतारूंगा और सब ने इसका करार किया और कहा हम सब ने कहा तो वहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते ला अल्लाह हमारे लिए तेरे सिवाय को मबूद नहीं अल्लाह ने सवाल किया हमने जवाब दिया अल्लाह ने कहा मेरे अलावा कोई मबूद नहीं हमने कहा हाँ अल्लाह रे अलावा कोई मबूद बरहक नहीं ठीक है इबादत का कोई मुस्तक नहीं है और ये मुस्तद अहमद के जवायद में रिवायत आती है कि हम सब ने वहां गवाही दी थी लेकिन दुनिया में आने के बाद हम लोग जो है उस चीज़ को भूल गए याद रखिए तो ये बड़ी अहम बात है याद रखिए और अल्लाह नबुलज़त ने इस बात को कुरान में यूं भी दोहराया सोरेम्बिया सोलन नंबर इक्कीस उसकी आदमी और पच्चीस में और फरमार का वमा और सलमिन कबली का मिन रसूल इल्ला इला अना अबुदून के आप सबको फरमाया गया और कहा गया व मिन कबली ए नबी आपसे पहले कोई रसूल ऐसे नहीं आए जिनकी तरफ हमने ये वही ना की हो लीक कि हमने ये गवाही ये वही ना की हो इल्ला इला कि उस अल्लाह के सिवा कोई मबूद भरक नहीं कोई इबादत के लायक़ नहीं अन तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही इबादत करो ये पैगाम देखे फिर अम्बिया रसूल जो आते रहे और सारों का पैगाम यही था ला इलाहा इल्लल्लाह अब ला इलाहा इल्लल्लाह तो ये एक चीज़ थी जो कभी नहीं बदली अम्बियाओं के अतबार से कलमे का दूसरा हिस्सा पार्ट बदलते रहा जैसे आज हम जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल तो हर जमाने में ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह हुए होंगे नूह रसूलुल्लाह हुए होंगे साल रसूलुल्लाह हूद रसूलुल्लाह है ना इब्राहिम रसूलुल्लाह इस्माइल रसूलुल्लाह और इसहाक रसूलुल्लाह और याकूब रसूलुल्लाह और यूसुफ और ये बदलता रहूँगा लेकिन ला इला ये पैगाम सारे अम्बियाओं का एक ही था ला इला ये बड़ी अहम चीज़ है याद रखी इस कलम तोहद को हम कई बार कर बहुत मामूली समझते हैं बस ठीक ये कलम तोहद बड़ा ही अहम है इसको ना सिर्फ जबान से कहना है सच्चे दिल से मान कर इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है इसलिए कि अगर कोई कहे कि खफ़ल चाबी से खुलता है तो चाबी बकरदात की नहीं होती है मतलब कलमा अगर हम पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ना नहीं है उस पर अमल करना है उसे कुछ कंडीशन ज़रूर होंगे उस पर वरना आज तो क्या मामला ला लाइला और फिर क्या है अल्लाह के अलावा भी झुक रहे हैं यकीन मेरा अनुमान आज शिरक नहीं है वरना आपको अगर शिरक सुनना है तो क्या यह भी शिरक है मैंने इस पर बहुत तफी गुफ्त थी शिरक क्या है और क्या यह भी शिरक है आप उसको बहरहाल देख सकते हैं वनुमुमान जो है अपलोड भी हो चुका है यूट्यूब पर बहरहाल तो बहरहाल कलमे का दूसरा हिस्सा कलमे का पहला जुस कॉमन रहा बराबर रहा ला अला हर किसी के दौर में अंबियाओं के अतबार से बहरहाल दूसरा जुमला बहरहाल बदलता रहा है ठीक अब जो शख्स इस कलमे को मान ले ला इला इसके तकाज़ों को पूरा करके अमल करके ज़िंदगी गुजार ले दखल जन्ना वो तो जन्नत में चला गया जो इस कलमे का इनकार कर दे और गुनाह और मासीियत में ज़िंदगी गुजारे तो यक़ी वो कहाँ जाएगा जहनुम उसके हमेशा का अजाब होंगी तो इस कलमे की ज़रा अहमियत ही समझ लें इकरार कर लिया तो जन्नत वाजिब इनकार कर दिया तो जहन वाजिब इकरार कर लिया तो हमेशा की नेमतें इनकार कर दिया तो हमेशा की आग बस इतना समझ लिया आप। तो बात वाजे हो जाएंगी कितना अहम कलमा है कितनी अहम चीज़ है इसके कितने तकाज़े होंगे कि जो जन्नत दिला रहा है इसका इनकार करने वाला जहनम में जा रहा है तो ये कलमा कितना अहम होगा इसको हम मामूली और मज़ाक ना समझें बल्कि इसके तकाज़ों को समझ के अपने ज़िंदगी को हम जो है गुजारने की कोशिश करें इसलिए कलमे का पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं हम जब कलमा पढ़ते हैं तो हम इकरार करते हैं कि अल्लाह की इबादत करेंगे उसकी बंदगी करेंगे उस किसी को शरीक नहीं करेंगे जो वो कहेंगे हम करेंगे जिन चीज़ों से वो रोकेंगे हम रुक जाएँगे जो वो चाहेंगे उसकी चाहत हमारी चाहत जो वो ना चाहेंगे उसकी जो चीज़ वो चाहता नहीं वो हमारी जो है ना चाहत हमारी नापसंद जो उसकी नापसंद गोया हम अपने आप को सुपुर्द कर देते कलमा पढ़ के अल्लाह के जाने लेकिन अफसोस की बात है हम में से अक्सर मुसलमान कलमा तो पढ़ते हैं यही लेकिन अपने नफ्स को सुपुर्द नहीं करते अल्लाह के बल्कि कलमा पढ़ने के बाद भी अपनी ना फरमानी और अपने तकाज़ों को अल्लाह के सामने रखते हैं बिजनेस करेंगे तो ऐसा कैसे चलेंगे ये सब नहीं होगा फला जाएंगे तो ऐसा कैसा होंगे ये होंगे हमारी औरतें फला करेंगी तो ऐसा कैसे पर्दा कर सकती फिर हम अपने तकाज़ों को अल्लाह के सामने रखते कलमा पढ़ने के बाद जबकि कलमे का तकाज़ा एक रफ को मान लिया तो उसकी हर चीज को मानना मिन और अन जो का डॉट बाय डॉट एक नुकता भी है तो उसको जैसे कहते हमको मानना है और अपनी जिंदगी को ढाल देना है गुजार देना है अपनी जिंदगी उसके मुताबिक रखना है हमें जो ये कलमा मामूली नहीं है सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है इसके तकाजों को पूरा करना भी उतना ही ज़रूरी है याद रखिए और जिसने इसको पढ़ लिया फिर सच्चे दिल से मान लिया सच्चे दिल से तो बस उसके लिए तो जो है कामयाबी ही कामयाबी है और जिसने इनकार कर दिया उसके लिए याद रखिए नामुमकिन है कि फिर वो कभी जन्नत में जा सके और जिस शख्स ने इसको यकीन कर लिया इसके मुताबिक अमल कर लिया तो बस कामयाबी वरना उसके लिए नाकामी है अब आइए इस कलमे की फ़जीलत के तल्ल से कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ इसके फ़ाइाल ख़ुद इसकी अहमियत ख़ुद ब खुद वाजहे कर देंगे अहमियत भी शामिल हो जाएंगी फ़ज़ाल के साथ साथ ठीक जब मैं इसके फ़ज़ाइल रखूँगा तो इसकी अहमियत तो पता ही चलेंगी लेकिन इसके फ़वाद ये कलमा क्या क्या फ़ायदे साथ में लाता है हम उसको देखने की बहरहाल कोशिश करेंगे बहुत सारे लोग इस कलमे का विद्ध करते हैं विरध विरद पढ़ते हैं बार बार लेकिन अफसोस की बात है यहाँ कलमा भी चालू है ला ला और उसी के बाजू शिरक भी चालू है कंटिन्यू यहाँ कलमा पढ़े ला ला और फिर अल्लाह के अलावा किसी और को भी पुकारा जा रहा है यहाँ करना पड़े ला इला और दूसरों के मामला पे दूसरों की गैर शराब बातों पर भी राज़ी है यहाँ कलमा इला और फिर यहाँ अजान भी हो रही है और नमाज को नहीं जा रहे हैं इबादत को नहीं जा रहे और पढ़ रहे ला तो गोवा कलमा तो पढ़ रहे हैं विरध तो कर रहे हैं अपने लिए जख़ीरा समझ के खूब इसको जमा कर रहे हैं लेकिन अफसोस है इसके तकाज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हम जो ये कलमा चाहता है वो नहीं कर पा रहे तो क्या कामयाबी मिल सकती है नहीं मिलेंगी कामयाबी याद रखी जब तक इस कलमे के तकाज़ों को भी वैसा ही पूरा ना किया जाए जैसा इस कलमे को दिल से हम पढ़ रहे हैं बल्कि इसके तकाज़े बड़े अहम हैं इसलिए कि इस्लाम में कोई भी चीज़ सिर्फ अगर ये खाली कलमा पढ़ देना कामयाबी की जमानत हो जाती सिर्फ कलमा पढ़ना ही कामयाबी की जमानत हो जाती तो मुशीकी ने मक् का आपसून से लड़ने की अख्तलाफ करने की वजह ही नहीं थी फिर सब बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह ठीक है हो गए मोहम्मद खुश हो गए तुम चलो जो करना है करो ख़ाली पढ़ना ही काफ़ी हो जाता तो क्या ही बात थी मशरक़िन मक्का भी कबूल कर लेते और अफ़सोस की बात है मश्रक़ी ने मक्का इस कलमे के तकाज़ों को आज के मुसलमानों से ज़्यादा जानते थे जब अल्लाह के रसूल ने मशरक़ी ने मक् को अबू जहल को और बड़े बड़े सरदारों को कहा ला अफ़ल हून कह दो सिर्फ़ इतना जुमला है अरब के सरदारो ला नहीं कोई मबूदे बरह सिवाह के तुफ्लेहुन कामयाब हो जाऊंगे सक्सेसफुल हो जाऊंगे दुनिया और आख़िरत में आगे फरमाए तम वल अजम अरब के तो मालिक अल्लाह ने तुम्हें बना ही दिया अजम को भी तुमको अल्लाह दे देंगे मतलब कलम तोहहीद पढ़ने से उस पर अमल करने से ना सिर्फ आख़िरत का फ़ायदा होता है दुनिया भी मिलती है ला इला 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 तुफले तम लिकुल अरब वल अजम अरब तो तुम्हारा ही है अजम भी तुम्हारा हो जाएगा इस कल इस दावत से ही बात पता चलती है जिसने इस कलमे को पढ़ा सच्चे दिल से थामा अल्लाह ने दुनिया भी दी और आखिरत भी देंगे उसको अब तो मुशरीकी ने मक्का के लिए क्या मुश्किल थी हम हाँ मुसलमानों के लिए कितना आसान है लाइल हो गया मुश्री ने मक्का भी चाहते तो कह देते लाला चलो मोहम्मद तुमने कहा हमने पढ़ दिया लेकिन मुशरीकी ने मक्का इस कलमे के तखाजों को जानते थे ला इलाहा नहीं कोई मबूोद मोहम्मद की दावत सल्लल्लाहु अलैहि ये है सारों का पहले इनकार करो फर्स्ट डिनाइल हर किसी को रद्द करो फिर उसके बाद एक्सेप्ट करो फिर कबूल करो अ और हमसे तीन सौ साठ छूटते नहीं हैं ये अब मुसलमानों के लिए क्या है ला इल्लल्लाह और फिर झुकावा कहीं और है ला लाला और फिर मांगना किसी और से ला लल्ला और औलाद किसी से तलब की जा रही ला ला लाला और मुश्किल में किसी को पुकारा जा रहा मसला यह है ना मुश्रकी ने मक्का इसके तकाजों को अफसोस की बात है हमसे ज्यादा अच्छे जानते थे कि यह कलमा सिर्फ कलमा नहीं है ये कलमे के पीछे कई कंडीशन लागू है आप कहेंगे कलमे में तो लिखा हुआ नहीं है सब चीज़ें अरे भाई मेरे मैं एक मिसाल देता हूँ एक इंसान निकाह करता है निकाह के दिन वो कहता है कि खालिद साहब पूछते क्या तुमको कबूल है तो वो लड़की कहती हाँ कबूल है और लड़का क्या कहता हाँ कबूल है इतना ही जुमला है ना अब अगर शादी के बाद लड़की बोले मेरा खर्चा और लड़का बोले मैंने तुमको कबूल किया था ख़र्चा थोड़ी कबूल किया था शादी के दिन मुझे कहलवा लगाया था कबूल है मैंने थोड़े बहुत ख़र्चा जब उसने एक बार कहा कबूल है तो ख़र्चा भी कबूल है उसका नानो नफका भी कबूल है उसके बच्चे भी कबूल है उसके साथ ज़िंदगी हर चीज़ ऑटोमेटिकली इम्प्लाय कंडीशन लागू थे उसी तरह जब हम कहते ला ला लाला तो कई कंडीशन ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं हम कंडीशन हटा के सिर्फ समझ रहे ला 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 काफ़ी बस अगर मैं कहूं एक चाबी से ताला खोलता है तो चाबी बगरदात की नहीं होती उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं तो जब लाई ला की बात कंडीशन अप्लाइड तो मुश्रकी ने मक्का को मालूम था कंडीशन ये सब का इनकार करना पड़ेगा आबाजाद को छोड़ना पड़ेगा जो तो उनके तौर तरीके को 360 सौ साठ को और अपनी पूरी ख्वाहिशात को मोहम्मद के लाए हुए शरीयत के मुताबिक डालना होगा जो हमसे होने वाला नहीं है लिहाजा इनकार हमारे लिए कितना आसान है ला लाइल और मनमानी कर रहा है कलमे को पढ़ने वाला अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुक रहा है ये बड़ी सोच की बात है तो मुशरक़ ने मक्का समझते थे अब आइए इस कलमे की फजीलत क्या है कल में की फजीलत जो है उसकी सबसे पहले एक दो तीन चार ऐसी गिनती में रखूंगा और इन आज हम कम बेच सत्रह फजीलत इसके देखेंगे सेवनटीन पहली फजीलत कल में की अहमियत भी शामिल है फजीलत लेकिन ज़्यादा है फजाइल जानने से हमें जो एक उभार मिलता है एक उस चीज़ की तरफ लगाव बढ़ता है और इंसान डट कर वमल करता है आइए पहली फजीलत क्या है जिसकी मौत इस कले में पर हो जाए वो जन्नत में जाएंगे ये पहली फजीलत है इस कलमे की ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत सुभान अल्लाह पहली फजीलत यह है जो ये पढ़ ले जन्नत में जाने वाला है बस पढ़ ले का माना फिर समझ लेना आप कंडीशन और अपलाइड पढ़ ले मतलब उसके तकाजों को पूरा करे उसके मुताबिक जिंदगी गुजार ले जन्नत में जाएगा आइए पहली चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी की रिवायत आपने फरमा कहा मामिन अब दिन الله. जब कोई बंदा या ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ये कहता है ला नहीं कोई महूद बरक़ सिवा अल्लाह के अपने सुम्मा माता अला जाली का और इसी पर उसकी मौत आ जाती है जो वो कह रहा था कि नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के बरक अल्लाह के जाली का ला दखल जन्न तो वो सीधा जन्नत में चला जाएगा नहीं कोई ऐसा बंदा अल्लाह का जो ये कह दे ला, ला इसके तकाज़ों को पूरा इस पर ज़िंदगी गुजार ले वो मरने के बाद सीधा दखल जन्ना जन्नत में चला जाएगा जो इस कलमे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और उसकी मौत इस कलमे पर हो जाए वो जन्नत में जाने वाला है मैं नहीं समझता हूँ इससे बड़ी कोई फजलत और किसी कलाम की हो सकती है कि जिस कलाम को इंसान ज़िंदगी में पढ़ ले और इस कलाम के मुताबिक उस कलमे के मुताबिक उस सेंटेंस के मुताबिक उस ज़िंदगी गुजरे और उस कलमे के साथ वो मर जाए दुनिया से चला जाए खल जन्ना जन्नत में वो जाने वाला है कितनी अहम फजीलत है ना जो इस कलमे को पढ़ के इसके मुताबिक अमल कर ले तकों पर जन्नत में जाएंगा यह बहुत बड़ी फजीलत याद रखिए आइए इसी तरह इस कलमे की दूसरी फजीलत जो आती है वो ये है ये कलमा नजात का जरिया है यह कलमा नजात का जामिन है यह कलमा सक्सेस की गारंटी है पहला तो जन्नत में जाने का है दूसरा सक्सेस चाहिए कामयाबी चाहिए कामयाबी दुनिया की और कामयाबी आखिरत की जिसको भी चाहिए उसे यह कलमा पढ़ना इसलिए कि यह कलमा ज़मानत है कामयाबी की सक्सेस की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुस्नद अहमद की रिवायत आपने फरमा कहा और कहा मन क़ीला मन कलीम कलीमता आसन फरमाते जो मेरा लाए हुआ कलमा पढ़ ले इसके पीछे एक पसी मंजर यह आता है कि सिद्दीक रजी एक आप आप ने एक मरतबा आप सल्ला सवाल किया और फुर फुर पूछा दरियाफ्त किया क्वेश्चन किया इस दीन में नजात का जरिया क्या है इस्लाम में नजात का जरिया क्या है मतलब किस चीज़ को आप ये कहेंगे कि ये नजात का जरिया है तो आप सल्ला ने उनके सवाल के जवाब में कहा और फरमाया जो मेरा कलमा जो मैंने लाया ला इला 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 ला नहीं कोई मबूद बरहक नहीं कोई इबादत के लायक सिवा अल्लाह के जो एक कलमा पढ़ ले कबूल कर ले जिसको मैंने अपने चचा अबू तालिब पर पेश किया था और इसने इसका इनकार कर दिया था वो कलमा मानने वाले के लिए नजात है कौन सा कलमा पढ़ने वाले के लिए नजात है आप समझे सवाल क्या हो रहा है अल्लाह के रसूल इस दिन में नजात का क्या जरिया है सक्सेस का क्या जरिया तो फरमाया जो कलमा मैं लाया हूँ ला इला जो मैंने अपने चचा पर भी पेश किया था अफसोस मेरा चचा उस चीज़ पर ईमान नहीं लाया जो इस कलमे को पढ़ ले तो तुम्हारे सवाल का जवाब है नजात का ये कलमा जरिया है कल मै ला तय्यबा, ला इला कलमा तयबा ला लल्ला कलमा शहादत ला इला नजात का जरिया है नहीं कोई मबूद बरक़ तो इबादत तो बहुत सारी चीज़ों की लोग कर रहे हैं ना इसलिए हम कह करें नहीं को मबूद बरख़ व इबादत तो करते हैं लोग चीज़ों की लेकिन वो बरहक नहीं है वो सही नहीं है सिवा अल्लाह समझ रहा तो यहाँ आप फरमा रहे नजात चाहिए वो तो वो कलमा पढ़ो जो मैं लाया था अपने चचा पर पेश किया था ला, ला। तो जन्नत में तुम जाओगे वो नजात का जरिया कामयाबी का जरिया बन जाएंगा कौन सा कलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने चचा के ऊपर जो है पेश किया था ठीक इसी तरह इस कलमे की तीसरी फजीलत यह आती है कि यह कलमा दुनिया की मुसीबतों से नजात का जरिया है सुबह जन्नत में जाने का जामिन दुनिया में कामयाबी का जामिन और आखिरत में नजात का ज़रिया ये कलमा दुनियावी मुसीबतों और आफतों से बचने का बाइस और नजात का भी ये कलमा ही ज़रिया है ला इलाहा इला इल्लल्लाह ये बड़ी अहम बात है याद रखें इसलिए कि हम जो है ये कलमा जो है पढ़ते नहीं ये कलमे को जो है ना समझते हैं इसके तकाज़ों को और ये कलमा जो इंसान पढ़ लेता है तो वो शख़्स जो है अपने जान और माल की हिफाजत कर लेता है मतलब दुनिया में जो मुसीबतों से मैंने कहा नजात का जरिया वो ये है कि जो शख्स ये कलमा पढ़ता है वो अपनी जानो माल को महफूज कर लेता है, ला है ला नहीं को बरह सिवाह के फमन मिन्नी जिसने ये कह दिया उसने अपनी जान और माल मुझसे बचा लिया इसलिए मैं कह रहा हूं कलमा तोहीद लाला ला पढ़ने वाले की जान और माल महफूज रहती है समझ रहा जान और माल उसी क्या होती है महफूज रहती जो कलम तोहद को पढ़ता है इसी वजह से मैं ये, मैंने ये बात लाई ठीक तो वो उसने मेरे बचा ली इल्ला बिही व अबू हु और हक़ के साथ हम उनकी जान नहीं ले सकते और अगर इनके दिल में कुछ गैर गलत होगा तो अल्लाह के पास उनका मामला है हम इस मामले में गिरफ्त नहीं होती मतलब अगर किसी के दिल में कोई छुपा हो कोई मुनाफिक हो तो वो तो उसका मामला है वरना हमारा तो मामला ख़त्म हो गया तो गोया कलम तोहद ला, ला पढ़ने से दुनिया में मुसीबतों और परेशानियों से और खत्ल वारदगी से इंसान बचता है चौथा फ़ायदा और फजीलत इस कलम तोह की ये है ये कलम तयबा जो है ये जड़ है और बाकी सारे आमाल जो है वो शाखें हैं कलम तयबा इस्लाम की एक्चुअल जड़ है इस्लाम अगर एक झाड़ है तो कल में तय्यबा लाला ला जड़ है रूट्स है और उसके बाद जितने अमल नमाज रोज़ा जक़ात हच अच्छाई का हुक्म देना बुराई से रोकना सदक़ात और खैरात करना और नेकी करना और जिहाद करना और जो कुछ सब सा, सारी चीज़ की शाखें हैं तो कल में तयबा जड़ है रूट है और बाकी सारे अमाल जो जिंदगी में आप और मैं करते इस्लाम जो हुक्म देता है वह सब क्या है ब्रांचेस है शाखें तो रूट बहुत ज़रूरी अच्छी हो हमारी मजबूत हो तो आइए हम देखते हैं इसलिए कि आप अलैहि वसल्लम ने जो है हदीस में फ़रमाया कि ये रूट है जो मैं बैन कर रहा था ये इसकी जड़ है इस्लाम की उसके से हदीस बुखारी के बाद आपने फरमाया कहा ईमान की सत्तर से ज़्यादा शाखें हैं इनमें सबसे बेहतरीन शाख ला इल्लल्लाह है और सबसे छोटी शाख रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना है और शर्म है अभी ईमान की एक शाख है क्या फरमाया ईमान की सत्तर से ज्यादा ब्रांचेस है एक रिवायत में सेवेंटी सेवन तक है सत्तर से ज्यादा सत्तर ब्रांचेस है सबसे अफजल ब्रांच उसकी सबसे आला है ला ल और सबसे अदना है रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना तो गोया ला लह जड़ है और बाकी तमाम चीजें क्या है वो उसकी शाखें हैं याद रखी ला लल्ला क्या है जड़ है और बाकी तमाम चीज़ें क्या है उसकी शाखें हैं याद रखी इसी तरह इससे इस फजीलत पता पांचवी फजीलत कलम तयबा की वो ये है कलम तय्यबा की मिसाल एक पाकिज़ दरख़्त की है एक पाक झाड़ की है याद रखिए, और ऐसा झाड़ जो फल भी लाता है बहुत तनावर है बहुत मजबूत है उसकी शाखें आसमान को जाकर छूती है तो कल में तयबा एक बेहतरीन दरख्त है याद रखिए जो फल लाता है इसका माना ये है कलम तयबा एक झाड़ है जिसको अगर दुनिया में इंसान लगाता है तो उसका पल माना है आख़िरत में उसका बदला पाएंगा और अल्लाह रबत ने कल में को झाड़ की तमसील मिसाल खुद दी मैं नहीं दे रहा हूँ आई ये सुर इब्राहिम सुर नंबर चौदह आयत नंबर चौबीस से ले लेकर सत्ताईस में अल्ला फरमातार कहता है <laughs> अलम तयब का शजरत तय्य बतान किया अल्लाह रब तुम्हारे लिए एक ज़रब अल्लाह मिसाल देता है एक एग्ज़ाम्पल देता है क्या एग्ज़ाम्पल है कि एग्ज़ाम्पल है मसला कली मतन तय्य बतान का शजरता के कल में तयबा की ला, ला की मिसाल है जैसे कि एक पाकिजा झाड़ मतलब उसके अपियरेंस से भी वो खूबसूरत दिखता है एक काटे झाड़ झाड़ को आप पाकिज़ा झाड़ नहीं कहेंगे एक बदबूदार झाड़ झाड़कू आप पाकिज़ा झाड़ नहीं कहेंगे एक बद्मुमा झाड़ को आप पाकिजा झाड़ नहीं कहेंगे है ना एक हल्का ज़मीन पे बिल्कुल एकदम गिरने पे ऐसे झाड़ को आप पाकिज़ा नहीं कहेंगे तो अल्लाह फरमा अलम तौरा अल्मा अल्लाह तुम्हारे लिए लोगों कैसी मिसाल दे रहा है सुनो जराबल मसलन कली मतन तुम्हारे लिए एक मिसाल है कली तयबा की कैशरत्यबन एक पाकिज़ा झाड़ की असलू साबित फरूह फम जिसकी ज़मीन में जड़े धसी हुई है मजबूती से गड़ी है और जिसकी शाखे फरूहा फि समा आसमान को छूती जाए सुबह अल्लाह क्या झाड़ जो लोग काश्तकारी करते हैं ऐसे झाड़ को देखकर कितनी खुशी होती है ना किसी भी इंसान को काश्तकारी नहीं भी करते हैं। आप रास्ते से जा रहे हो बड़ा झाड़ दिखता है बहुत जड़ें और खूब ऊँची शाख तो आप भी दो मिनट गाड़ी रोक के बोलते हैं क्या बेहतरीन झाड़ है तो कहा कल में तय्यबा एक ऐसा पाकिजा झाड़ है जिसकी जड़ें मजबूत है जिसकी शाखे आसमान को छू फरुआ समा फरूह फिम तो रब और अपने रब के हुक्म से हर मौसम में हर बार फल भी लाता है एक बहुत बड़ा झाड़ बगैर फल की हो तो क्या फायदे का आप खुद बोलते यार खेत का बहुत हिस्सा व्यस्ट करा उठा के फेंक डालो तो कलमे तैयबा एक पाकीजा झाड़ है जड़े मजबूत शाखे आसमान को छूती है और अपने रब के हुक्म से हर बार हर मौसम में फल लाता है कंटिन्यूसली फ्रूट देने वाला झाड़ है कभी भी जाओ और आपको फल मिल जाएगा ये कल में तैयार कल में तैयार बस समझिए आप एक झाड़ से मिसाल झाड़ के कितने फायदे उठाते हैं आप कुछ झाड़ को अगर पत्ते ना हो शाखे ना हो तो आप जड़ से फायदे उठाते हैं उसकी छाल से फायदे उठाते हैं कई खानों में छाले इस्तेमाल होती हैं कई दवाओं में छाले इस्तेमाल होती है उसकी शाखें बड़ी हो तो आप काट सकते हैं फिर वो बढ़ेंगी उसके फल आते हैं तो झाड़ की आप खिदमत करेंगे उसके फल से आप पैसा कमाएंगे कल में तय्यबा सिवाय नफ़े की और कुछ नहीं देने वाला हमको इसलिए झाड़ की मिसाल क्योंकि झाड़ का हर पार्ट जो है नफा बख्श होता है बताइए आप झाड़ का कौन सा पार्ट नफा बख्श नहीं है जड़ें निकल रही है तो कभी कोई दात उससे मांझ रहा है कभी कोई दवा बन रही है कभी किसी चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है है ना कभी छाले हो रही हैं तो आप खाने में डाल रहे हैं दार क्या है वो भी एक छाल है बौस से लोग मुख्तलिफ खाने से बनाते हैं लकड़ी निकल जाए तो जलाने में काम आती है कश्तियाँ बनती है दुकान बनते हैं घर बनते हैं मकान बनते हैं सामान बनता है अगर पत्ते हैं तो जानवर हमारे खा के फ़ायदा उठाते फूल लाता है तो खुशबू होती है दवाएं बनती है क्या कुछ नहीं होता इस तरह फल लाता है तो फल बेच के नफा कमाया आया था फल खा के फायदा उठाया जाता फल से बीज निकलते बीज से और झाड़ लगाया जा सकता है झाड़ कभी भी नफा बख्श होता है किसी भी सूरत में सूखा झाड़ भी टूट के पड़ा है तो भी काम का इसलिए कि जलाने में काम आता है तो कल में तय्यबा पड़ने वाले को कभी नुकसान नहीं होगा इसलिए कि वो एक ऐसी चीज़ को मान रहा है जो ऐसा दरख्त है जिसकी ज़मीन के अंदर जड़े गड़ी आसमान उसकी शाखे छूती है और ख़ास बात तो यह है फलदार ही अगर इतना बड़ा दर्दूर फलना लाए तो आदमी बोलता है, उखाड़ दो दूसरा कुछ लगा दो छोटा फलदार रहूंगा फल भी लाता है एवरी सीजन हर मौसम में आगे अल्लाह ने फरमाया बीज नहीं रब्बी अल्लाह के हुक्म से लाता है व याज़रिबुल्लाहुलमसाले लिलनास इला ल अल्लाह मुसलमानों ए लोगों तुम्हारे लिए मिसाल बयान करता है ठीक ताकि तुम गौर विक्र करो नसीहत हासिल करो तजक करो उन सोचो इस पर कैसी मिसाल में तैयबा की आइए आगे व कली वह मसलुत खबीन खजर खबीसतिन फौकी माल खरा और कलम खबीसा की ला के खिलाफ जितने कलमे हैं जो शैतान के तरफ से होते हैं अल्लाह ने फरमाया मसलिता खबीसतिन खजरतिन कि कलम शैतान के कलाम की कलम ला, ला की जितनी बातें इसके अलावा कही जा रही है उनकी मिसाल ऐसी है कशाज रतिन ख़ी सती और बहुत बुरे झाड़ की जिसको देखना भी नहीं कशाज रतिन तैयब उसको देखना भी पसंद है कल में तय बुरा जिस झाड़ जिसको देखना भी है ना कुछ झाड़ों को आपको देखते लगता है इनको देखना भी अच्छा नहीं मा देखते काटे आँख प्यार इतना गंदा झाड़ है है ना तो बेकार झाड़ है तो कहा उसकी मिसाल बेकार झाड़ की है और आगे फरमाया उसकी जड़े भी अंदर नहीं जाती थी खोखली है पूरी जमीन पे उखड़ी हुई जिसको देखकर ही आपको लग रहा है ये कुछ टिकने वाला झाड़ नहीं है ज्यादा आंधी तूफान मुसीबतों में काम नहीं आने वाला इसको सहारा लेना बोले तो ये अपने ऊपर गिरने वाला है और वो खरार भी नहीं है वो ऐसा झाड़ है कि कभी भी गिर सकता है आपको देख उसकी जड़ों की ढील ऐसा लग रहा है कभी भी गिर सकता है अल्लाह फरमाया माला हमीन खरा रुक भी नहीं सकता है तो ये याद रखिए ये दो कलाम की अल्लाह रबुल इजत ने जो है मिसाल दी तो कल तयबा एक ऐसा झाड़ है लाई एक ऐसा झाड़ है जिसकी शक्ल सूरत लज्जत खुशबू और नफ़ा इंसान उठा सकता है देखते ही समझ में आ रहा है दूसरा फ़ायदा इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर मज़बूती ज़मी है जिसकी वजह से इंसान को पता है कि आंधी और तूफ़ानों में ये झाड़ हमारी मदद करेंगे ये हम पर गिरने के बदले हे सपोर्ट में जा सकते हैं तीसरा फ़ायदा इसकी शाखें आसमानों को छूती है बुलंद फैली हुई है मतलब बहुत बड़ा झाड़ है और चौथी और सबसे अहम चीज़ है यह झाड़ फल भी लाने वाला ये कलमे पर जिसने अमल किया आखिरत में फ़ायदा भी उठाने वाला है ये चार फायदे होंगे इस कलाम को और शैतान के कलमे को मानने की बहरहाल वो बिल्कुल गैर मजबूत देखते ही घिन आने वाली है कभी भी गिर सकता होता उसको खुद सपोर्ट की ज़रूरत है ये कोई मजबूत झाड़ नहीं तो कलम तयबा को जिसने मान लिया एक मजबूत झाड़ की उसकी मिसाल है और कलम तयबा के अलावा जितनी चीज़ें वो बेकार है छठा फ़ायदा खबर में इसकामत खबर में मजबूती देने वाले कलमे थे सुखान अल्लाह मरने के बाद जो मर जाए इस पर पढ़ के जन्नत में जाने वाला है जो इसके मुताबिक रहे अपनी जान माल की हिफाजत कर ली अब ख़बर में भी मजबूती ख़बर में अकेले होंगे हम क्या होंगे है ना अकेले इंसान आइए जो है मुसनत बज़ार की ये रिवायत है माँ आयशा रजीहा फ़रमाती है आप सुन आपने सवाल किया अल्लाह के रसूल मैं एक कमज़ोर औरत हूँ औरतें वैसे भी कमज़ोरी होती है ना मर्दों के मुकाबले में तो वह वो फरमाती और कहती है मैं एक औरत हो मैं ज़यीफ़ हूँ अल्लाह के रसूल मैं कमज़ोर हूँ बहुत डरती हूँ जल्दी डर लग जाता है जल्दी परेशान हो जाती हूँ उमन होता औरतों में सफ़तें जल्दी डर जाती है जल्दी परेशान हो जाती है तो माँ आयशा रजरन्हा ने भी वही सवाल किया अल्लाह के रसूल मैं एक औरत हूँ बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ और जब जो है मरने के बाद खबर के अंदर जो है जब मैं जाऊँगी और मुनकर न खीर तो मेरा क्या हल होऊँगा जबकि मैं अकेले होंगी मनोमट्टी नीचे आप अंदाजा लगाइए ये, ये एक एक हॉल है इस हॉल समझो कि रात में प्रोग्राम हो रहा है और अल्लाह ना करे लाइट चली जाए औरतें भी ऊपर बैठी अचानक लाइट चली गई और बाहर कोई चांदनी रात भी नहीं बदली आएगी बादल है खूब और लाइट चले जाए तो कैसी थरथराहट छूट जाती है ना मालूम इधर भी औरतें बैठी इधर भी औरतें बैठी इधर भी मर्द बैठे उधर भी मर्द बैठे लेकिन इधर का बैठने वाला आदमी इधर वाले को चिपक जाता आकर है ना लाइट जाती एक औरत दूसरे औरत का हाथ पकड़ लेती वो खुद झंझला कह रहे छोड़ो हम खुद परेशान लाइट जाने से है ना डर हालांकि हम सौ लोग बैठे हैं हम पचास लोग बैठे हैं और लाइट चले अंधेरा डर तुम्हारे तो ऐसा करिए अल्लाह के रसूल खबर मनो मिट्टी नीचे साथ कोई नहीं है लोगों ने मिट्टी डाल दी तो एक रोशनी आने की भी जगह नहीं है एक पाने वाला छोटा दिया भी नहीं है और मैं एक जहीर कमज़ोर औरत तो और जब मुनकिनकी मेरे सामने आ जाएंगे और आकर पूछेंगे मन रब्बू का मैं क्या जवाब तुम एक रिवाज मैं साहबा कहा अल्लाह के रसूल ये मुनकर नकीर इतनी खौफजदा आला में आएंगे ज़मीन को अपने दांतों से फाड़ते हुए आएंगे जिनके दांत बैलों की सीघों के उतने होंगे आंखें बड़ी बड़ी और लाल होंगी और गरजदार आवाज़ में ज़मीन को फाड़ कर आएंगे अंदाज कैसी मखलो और कहेंगे मन रब्बू का और जिनकी आवाज़ कड़क की बिजली जैसी होंगी कड़क की बिजली से तो अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते जब अगर कड़के तो है ना आवाज़ कड़क की बिजली जैसा मन रब्बू का ने कहा हम तो पत्थर के बुत बन जाएंगे मिट्टी के बुत मतलब हमारी तो कैफियत नहीं होंगी बोलने की हे माई आयशा ने भी ये सवाल किया कि हम तो जम जाएंगे हम तो कुछ नहीं कह पाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने ये आयत तिलावत की जो सौर इब्राहिम सोलन नंबर चौदह आयत नंबर सत्तावीस थी अल्लाह ने फरमाए यूसबल्लादीन आमनबिल कौल फ़िल हयाति दुनिया व फिल आखिरती वालमीना वफ़ ये आयत तिलावत की जो सौर इब्राहिम सोलन नंबर चौदह की सत्ताविस थी आ, क्या फ़रमाया आप सल वसम ने यूसभतल आमन बिलकौली अल्लाह रबुलाज़्त मोमिनो के कदम को जमा देंगे कौल

तो कल में ख़बर में आ जाने वाला है उसी वजह से हम मजबूत होंगे और जिसके कलम तैयबा मजबूत नहीं था कलमा तौहीद कमजोर था खबर में वो जवाब नहीं दे पाएंगा उसके पैर कांपने लग जाएंगे तो उन्होंने कहा मैं तो डर जाऊंगी कि औरत हूँ मैं तो कहा ये कौल से कलम तैयबा से अल्लाह जमली कौली सबित फ़िल हयाती दुनिया और इस कलमे से तुम्हें सिर्फ़ आखिरत में नहीं दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह तुम्हें जमा देगा फ़िल आखिरती और आखिरत की ज़िंदगी में जमा देगा व युज़ील्लाज़ालमी और अल्लाह ताली ालिमिों को गुमराह कर देता है या फलुमा या और यह फ़लुमा यश और अल्लाह जो चाहता है वो करता है सुबह न कलम तैयबा ही कलमा है जो खबर में जमाने वाला है इसके तकाज़ों पर जिसने ज़िंदगी गुजारी जो ये कलमा चाहता था वो किया बस वो तो कामयाब हुआ ख़बर में भी ये कलमा फ़ायदा देने वाला है इस बात को याद रखिए उस्मान बिन अफ़ान रज़ी से एक रिवायत है ये जो है सुनानाबुदाउद की रिवायत है हजूर सल्लाम जो है मैय को दफनाने से जब फार होते हैं तो वहाँ ठहर जाते और कहते अपने भाई के इस्तामत के लिए उसके कदम जमने के लिए उसके सवाल जवाब में आसानी के लिए और उसके इस्तफार उसके लिए मफ़रत की दुआ करो सवाल और जवाब में आसानी के लिए दुआ करो और इस्तफार करो तो गुआ हुक्म दिया गया दुआ करना चाहिए मैत के लिए कि अल्लाह उसके सवाल जवाब में आसानी के दफ़नाने के बाद और उसके जो है इस्तफार उसके गुनाहों को माफ़ करें यह हमें करना चाहिए याद रखिए बात बड़ी अहम चीज़ है याद रखिए इसी तरह जो है सातवां फ़ायदा है जाम तरमेजी की रिवायत है और सातवां जो फ़ायदा है बहरहाल सातवां जो फायदा इस कलमे का इसकी फजीलत है यह सबसे बेहतरीन जिक्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला फरमार कहा जाम तरमीजी की रिवायत है हदीस के अल्फाज इस तरह से आपने फरमा कहा आपने फरमाया तमाम जिक्र में सबसे अफजल जिक्र ला ला है और तमाम दुआ में सबसे अफजल दुआ अलहमदल्ला है सबसे अफजल जिक्र क्या है ला इससे अफजल कोई जिक्र नहीं कोई जिक्र नहीं याद रख लीजिए ला इल्लल्लाह सबसे अफजल है हम अपनी जिंदगी का मामूल बना दे ला इल्लल्लाह ला उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आते जाते हैं जबान पर ला, ला ला ला, ला सबसे बेहतरीन जिक्र ला इल्लल्लाह सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका सातवा फ़ायद फल थे आठवीं फजीलत इस कलमे की और कलाम की कलम तय्यबा जो शख्स पड़ेगा रोज क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का मुस्क होंगा पढ़ेंगा से मुराद इसके तकाज़ों के साथ अमल करके दुनिया से गया हो इसी पर क़ायम था तो आप शफात सिफारिश करेंगे सही बुखारी के रिवायत है आप सल्लल्लाहु सल फरमार का जो इस कलमे को सच सच्चे दिल से पढ़ेंगा रसोसम की शफ़ात हासिल होंगी आप फ़रमाते असअलनासी भी शफ़ातिमल़ियामती मन खनकलबी व नफ़्स ही जिस शख्स ने मेरी शफ़ात का मुस्क रोज़े कैयामत वो इंसान बनेगा वो सादतमंद इंसान होंगा जिसने सच्चे दिल से अपने नफ़्स में ही सही ये कहा इलाहा इल्लल्लाह मेरी शफात होंगी नबी अलैहि सल्ह ऐसे शख्स की शफात सिफारिश गुजारिश करेंगे अल्लाह के सामने जिसने क्या पढ़ा होगा ला आप की शफात के लिए लोग तरस रहे हैं शिफात कुबरा है ये तो फिर उसके लिए कलमे को पढ़ना है और कलमे के तकाजों को पूरा करके दुनिया से जाना है याद हमें याद रखिए अल्लाह तक हमें तोफी अतः फरमाएं नवा फजीलत नाइन्थ इसकी फजीलत इस कलमे की क्या है कलम तयबा पढ़ने वाला इसके अमल करने वाला दो ज़ख़् में नहीं जाएगा कलम तैयबा पढ़ने वाला इस पर अमल करने वाला जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा अबू आला की ये रिवायत है अब वुरैरा रज़ी फ़रमाते और कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसोल्ला फ़रमा का तुम कसरत से कलम तैयबा पाकिज़ा कलाम को पढ़ा करो वो क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ो कहते रहो इससे पहले कि तुम्हारे पास इस कलमे और तैयबा के दरमियान गैप आ जाए खला आ जाए मतलब मौत आ जाए कल में तय्यबा को खूब पढ़ते रहो इससे पहले कि तुम और ये अलग हो जाए मतलब मौत आ जाए तुम्हारे अंदर और इसके दरमान दरमियान हायल हो जाए यानी मौत आने से पहले इसको कसरत से पढ़ो और जो मौत के वक्त इस कलाम को पढ़ता है आगे हदीस के अल्फाज है जो मौत के वक्त इस कलाम को पढ़ता हुआ मर जाए इन शनत में जाएंगा इसीलिए मैंने कहा जहनुम से दो जख् से उसकी नजात है जिसने कल में पढ़ा आज़म कसरत से पढ़ो इससे पहले कि मौत आ जाए और जिसका ख़ात्मा इसी पर हो जाए ला पर तो वो शख्स जो है जन्नती होंगे अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त हम तमाम को ही तोफ़ी दें कि हम लोगों का ख़ात्मा इसी कलमे पर हो जिसका ख़ात्मा इस कलमे पे हो ला ला बस वो जन्नत में जाएंगे आपने फ़रमाया इसी तरह आप आगे फ़रमा दे अहमद की रिवायत में आता है रसुल ने फरमाया मैं एक ऐसा कलमा जानता हूं जो इसको सच्चे दिल से पढ़ा और मर जाए तो दोजख की आग इस पर हराम हो जाएंगी साहब ने कहा क्या कलमा है तो कहा कहाजख क्या घराम ये कलमा बड़ा अहम कलमा है याद रखिए हमेशा अल्लाह से उसने ख़ात्मा की दुआ हम करते हैं तो ये दुआ ज़रूर करें कलमे से हमारा जो है ख़ात्मा हो कलमे से मुराद ला लल्ला बड़ी अहम चीज़ है जिसका खात्मा हो गया बस जन्नत में चला गया एक रिवायत में जिसकी शुरुआत पहला कलाम उसकी ज़िंदगी का ला लल्ला हो और जिसका ख़ात्मा ला ला पे वो जन्नत में जाएगा अब जाहिर से तो पहली बार जब कोई कहेगा तो बच्चों को बहुत तरबियत देना पड़ेगी कि पहली बार बोले तो मम्मी डैडी चाचा पुप्पा ये वो बोलने से पहले क्या बोले ला एल बहुत ट्रेनिंग देना पड़ेगी ना बचपन से बोलते रहना पड़ेगा जब पैदा हुए एक आध महीने बोलो 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 तो जब बोलेंगे तो ला, ला, ला बोले अब पहला कलमा और आखिरी कलमा बड़ी अहम बात है वो तो जन्नत में गए फिर ठीक दसवीं फजीलत इस कलमे की जो आती है वो ये कलमा तयबा पढ़, पढ़ने पर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये कलमा सीधे अर्श तक पहुँच जाता है इसकी खूसियत इस कलमे की आई हदीस के अल्फाज सुनिए जाम तिरमेजी की रिवाय कहा ने फरमाया कि जब बंदा सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तैयबा पढ़ता है ला इलाहा पढ़ता है तो इसके वास्ते आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये कलमा अर्श इलाही तक पहुँच जाता है मगर शर्त यह है कि इस कलमे को पढ़ने वाला गुनाह कबीरा से बचता रहे तो ये कलमा अर्श तक पहुँच जाता है सीधा मतलब ये कलमा डायरेक्ट मैसेज है रब को चला जाता है सीधा निकाल आसमान का कोई दरवाजा इसको विथ रोक नहीं सकता ये सीधे सातवां आसमान को पार करता है रब के अर्श के पास चला जाता है लेकिन कंडीशन ये है इस कलमे के अर्श तक पहुंचने के लिए कि इंसान कबायर से गुनाह कबीरा से बचता रहे बड़े बड़े गुनाहों से ना बचे तो ये कलमा अर्श तक नहीं पहुँचता है फिर बीच में रुक जाता है तो ये कलमे की बहुत सीधा अर्श तक है सीधा ऊपर चले जाता है विदाउट कोई मतलब होता है ना आपको किसी को एसएमएस भेजना है कोई बड़े आदमी से बात ही करना है तो दस झमेले होते हैं उसके बीच रब से अगर ताल्लुक कायम करना है तो कलमा अर्श तक पहुंच जाता है सिर्फ शर्त शर्ती है कि गुनाह कबीरा से इंसान बचता रहे। तो कल्मे है।, है तो इस कलमे की पहुंच अर्श तक है क्योंकि अर्श वाले का कलमा है तो अर्श तक पहुंच भी जाता है बस पहुंचाने वाला गुनाह कबीरा से बचता है ग्यारहवा इसका इसकी फजीलत इस कलमे की आती है कि मरने वाले के पास ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाना चाहिए अगर पढ़ते हुए मर गया तो जन्नत में जाए मतलब पहले तो आ गई बात मरते वक्त जो पढ़ ले जन्नत में लेकिन यहाँ इजाफा क्या है मरने वाले को ला अल्लाह की तनखीन करना चाहिए इससे ये बात पता चल रही है कि बहुत अहम कलमा है बहुत बड़ी फजीलत है तभी तो मरने के वक्त ये कहना है हमको किसको मरने वाले को क्या कहना है ला लाला की तनखीन करना है है ना हदीस के अल्फाज देखिए ग्यारहवीं फजीलत है ये तबरानी की रिवायत है आप सल्ला आल् फ़रमा कह नबीन फरमाया और सामने कहा कि ला जिसने पढ़ा व इस कलम तैयबा को सुनकर ख़ुद भी पढ़े मतलब आप फरमाते हैं जो मरने वाले के पास जाए और उसके पास जाकर ला, ला पढ़े और उस मरने वाले को तलखीन करे खुद भी पढ़े और उसको तलखीन करे अगर ये मौत के बाद पढ़ता हुआ मर गया तो जन्नत में होगा सहाबा ने सवाल किया रजवानल्ला ताली अजमैन ने सवाल किया कि अर्ज़ क्या रसोल्ला सल्ला वसम अगर कोई तंदुरुस्ती की हालत में इसको पढ़े तो आपने कहा फिर तो ये सबसे अच्छी चीज़ है लेकिन जब कोई मरने के वक्त हो तो हम उसके पास जाएँ जाकर उसको ला 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 लहें हमारे पढ़ने से हो सकता है उसके ज़बान से भी वो लफ्ज़ निकले ला लल्ला तो वह ऐसा इंसान जिसका कलाम ला ला आखिरी और जिस पर उसकी मौत आ जाए वो जन्नत में जाने वाला है तो मैय के पास ला की तलख़ी करना है ज़मीन जायदाद का नहीं पूछना

ज़िंदगी में पढ़े तो बहुत अफज़ल है वो तो अच्छा आसन फ़रमाए लेकिन जो मरे और मरते वक्त का जबान से तलख़ीन करो तुम भी पढ़ो और अगर वो पढ़ ले उसकी ज़बान से निकल जाए तो बस फिर तो वो क्या हुंगा? जन्नत में जाएंगा इसी तरह जो है एक और रिवायत के अंदर आता है जो कि बुखारी की रिवायत है जो है हज़रत बिन मालिक रजन उसके रविओ कहते हैं आपसन फरमाया और कहा जो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कलमत यब लाला पढ़े क्यामत के दिन दो जख़ख़ की आँख इस पर हराम हो जाती है अदर की बुखारी की रिवा की आग उस पर हराम हो जाती पहले भी आई ये बात और अगर मरते वक्त पढ़ ले तो जन्नत उस पर वाजिब होती है बारवीस की फजल इस कलमे की है कलम तैयबा का पढ़ने वाला जहन्नम से निकाला जाएगा अब चले गया कोई इंसान जहनुम गगार था चले गया और भुगत रहा है सजा जहनम की तो निकलने का सामान भी कलम तैयबा है मरते वक्त पढ़ ले तो जन्नत पढ़ लिया तो जहनुम हराम हो गई मौत के वक्त पढ़ा जाना चाहिए खबर में आके कलमा आपको जो है साबित खत्म रखेगा मर गया इंसान गुनाहगार था गुनाहों की सजा भुगत रहा है लेकिन अगर कल में तय्यबा पड़ा हुआ तो निकलने का रास्ता बाकी है अभी उसने अपने लिए रास्ता बाकी रखा हदीस के अल्फा सुनिए आप सल्ला मुस्तर खाकिम की रिवायत आपने फरमायर कहा अखरजो वफ़ी कल भीतमानी अल्लाह ख़ैमत कहेंगे फरिश्तो से फरिश्तोरजो मिनन्नार निकाल लाओ नाक से उन लोगों को किन लोगों को जिस मतलब लोग निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे साए भुगत के लेकिन अल्लाह एक टाइम ऐलान भी करेंगे निकाल लो बस उन लोगों को जानुम से जिसने क्या किया हो मन काला ला ला जिसने ला, ला कहा हो फी जिसने लाला से ना भी कहा हो तो दिल में तो कहा कम उसको ऐसा भी ला उठा कर अल्लाह ताला तो अपने बंदों को सजा नहीं देना चाहता ना मफरत कर तो जाओ लेकर आओ जिसने लाला ला कहा हो मुंह पे नहीं तो दिल में कहा लाओ फी कल भी उसके दिल में कभी पढ़ाओ लेकर आओ निकाल कर उसको फी कल भी जर्रतम ईमान और उसके पास जर्रा बराबर भी अगर ईमान होगा तो लावा खाली वो वर्बल पढ़ने वाला नहीं था एक बार ही पढ़ा हो लेकिन उसके दिल में ईमान हो जर्रा बराबर ईमान से क्या मुराद बहुत से लोग बोलते हैं हदीस में जर्रा बराबर ईमान जन्नत में जाएंगा तो इसको क्या माना इसका माना यह है ईमान तो मुकम्मिल था अमल नहीं करने की वजह से जर्रा कहा गया उसे वरना अगर ईमान में कोई कमजोरी आए तो कभी जन्नत में नहीं जाएगा इंसान ये बात लिख के रख लीजिए तो जर्रा बराबर क्यों कहा गया ईमान तो मुकम्मल हो उसका लेकिन अमल नहीं करने के जर्रा के लफ्ज इस्तेमाल किए गए बहुत से लोग बोलते अपुन ईमान कैसा भी चल जाओ जर्रा का लफ्ज है ना जर्रा तो है अपने पास नहीं जर्रा से मुराद ईमान मुकम्मिल था जैसा होना वैसा था लेकिन अमल नहीं होने को जर्रा कहा जा रहा है इस हदीस में तो कहा जर्रा बराबर ईमान हो और दिल में लाल हो उसको निकाल के लाओ मन उन्ना निकाल लाओ उसको जिसने लाला कहा हो फिर आगे फरमाना वाह वज़ा वा, कर नहीं और मेरा कभी जिक्र किया हो वाखा फनी फी मक़ाम और कभी मेरे सामने खड़े होने से डरा हो इन सब को लाओ दिल में पड़ा हो कभी मुँह से कहा हो और मेरा जिक्र किया हो कभी और मेरे सामने खड़ा होने से डरा हो ये सब लोगों को निकाल के ला दो और फरी से जा जा कर निकाल के ला, ला। तेरवा फ़ायदा इस कलमे का ला, ला के फ़वाद और उसके फ़ज़ाइल जो मिलते हैं वो ये है जोश दस मरतबा इस कलमे को पढ़ेंगे वो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि उसने जो है चार गुलामों को आज़ाद किया हदीस में अल्फाजी हफ्स में फ़रमाते हैं जो शख्स ला अल वाह शरीक लल्क वमदिन क़दीर लेकिन इसमें भी लफ्ल वाह ला शरीक नहीं कोई मामूद हक सिवा अल्लाह इज़्ज़त के वह ला शरीक ला उसके साथ कोई शरीक नहीं उसका कोई हमसर नहीं उसका कोई बराबर नहीं उसके लायक कोई इबादत में नहीं है उसकी कोई सिफात नाम और सिफात किसी के वैसे नहीं है ला शरीक कोई शरीक नहीं लहुल मुल्क उसी के लिए सारी मिल्कियत है थे वालमदो तमाम तारीफ़ है उसी लिए के लिए वह हु कदीर वह हर चीज़ पर क़ादिर है जो इसको पढ़ लेंगा दस मरतबा पढ़ेंगे तो उसको ऐसा सवाब मिलेगा जैसे उसने इसमाइल आसमाम की औलाद से चार ग़ुलामों को आज़ाद किया हो इस्माइल सलाम का हसब और नसब ये दुनिया का सबसे पाकीज़ा हसब और नसब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम से लेकर मुझ तक मेरी नसब में किसी ने जिना नहीं किया को काफिर तो हो सकते हैं नसब के एतबार से कोई फॉल्ट नहीं नसब पाकीज़ की नसब की कि सारी औलादें जो है कोई जिना नहीं है तो कहा मेरी नस्ल में आदम से लेकर और आसम इसमाइल के नस्ल से थे तो गोया इस्लाम मतलब सबसे पाकिजा नस्ल में से चार गुलाम आजाद करने के बराबर है इस्लाम की औलाद में से मतलब समझ इस्लाम की औलाद तो किसी ने गुलाम बना दिया उनमें से चार लोगों को आज़ाद करने का सवाब है दस मरतबाला वा शरीक वाहिन वा 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 कदीर पढ़ने इसमें शुरुआत देखें फिर लाला ये कलमे की फजीलत देखिए आप असल तो यही है उसके बाद पूरी तारीफ़ है नहीं कोई महबूद बरह सिवा वाह फिर वो एक है असल कलमा ला ही उसके अंदर वो एक है उसी के लिए मिल्कियत है उसका हमसर कोई नहीं है सारी तारीफ उसी के लिए है और वह सब चीज़ पर ख़ाद है ना ये तेरहवा फ़ायदा था चौदह फोर्टीन बेनिफिट ला का पढ़ने का इसका फजीलत हुई ये इस कलम तयबा में इसमें आज़म है अल्लाह का वो इसम है वो नाम है जो नाम अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है और जिस नाम के वसीले से जब दुआ की जाती तो अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता वसीलो बोलते दुआएँ मांगे तो क्या वसीला लें ये वसीला है इसमें आज़म आप क्या फरमाते सुनिए हदीस मुस्त अहमद की हदीस कल्बा इस तरह से आपस फरमा इसमें आज़म के साथ दुआ करेंगे अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमाएंगा जो हज़रत असमा बिन तयजीज़ जो है रजी जो है फरमाती कि आपने फरमाया कि अल्लाह का इसम आज़म बड़ा नाम इन दो आयतों में है जो इसमें आज़म के साथ दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा फिर अस्मा यजीद मिनत्यज़ीज़ रज़ी फरमाती है कि आप ने फरमाया इन दो आयतों में अल्लाह का इसम आज़म है इन दो आयतों में जो अल्लाह के इस नाम है इस नाम के वसीले से कोई दुआ मांगे तो अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता पहली आयत कौन सी सुर बकर नंबर दो आयत नंबर एक सौ तिरसठ में फरमाया इलाकुम इलादरहनि आयद क्या है वह वा इलाकुम वाहिद तुम्हारा माबूद माबूद सिर्फ तुम्हारा इबादत के लायक सिर्फ एक एक है एक है वाहिर इलाह नहीं है कोई मामूद बरक सिवाय उस अल्लाह के हुआ रहीम वो बड़ा रहम करने वाला नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है तो ये इसमें आजम है इसमें क्या है लाला रहमान यहाँ भी ला लफ देखे फिर उस जुमले के अंदर आ गया इसमें आजम में भी आ गया दूसरा आपने फरमाया सूर्य आलिमदान के आयत नंबर दो जिसमें ना? ला है ना अल्लाूम तो क्या हई और लेकिन उससे पहले देखिए अल्लाह क्यूम कि अल्लाह अल्ला वो है जिसके सिवाय कोई माबूद बर्क नहीं वो ज़िंदा है और तमाम चीज़ों को कायम रखे हुए है फिर आ गया अला इसमें आज़म तो ला इला ला की फजीलत देखिए जो ला, ला के साथ अल्लाह की दूसरे रसमा सिफ़ा जोड़ कर जो इनायतों में आ रहे हैं दुआ करता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती कितनी बड़ी फजीलत है ला इला की आइए इसी तरह जो है ला की पंद्रहवीं फजीलत में तोहद की पंद्रहवीं फजीलत में तैयबा की फिफ्टीन फजीलत क्या है वो ये में तैयबा मुश्किल कुशाई और खाजिल हाजत है मुश्किल कुशाई परेशानी हाजत रवाई के लिए इस कलमे को पढ़ना चाहिए आइए हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं और ये हदीस मुस्ंद अहमद की है। साथ, साथ फरमाते है और कहते हैं रसील सल् फरमाया हजरत जुनून हज़रत जुनून से मुराद यूनुसम ठीक आप फरमाते और कहते हजरत जुनून जो है हैून यूनुसम ने मछली के पेट में अल्लाह से एक दुआ की अगर वो ये दुआ ना करते तो मछली क़्यामत तक यूनुस को लेकर वहीं समंदर में घूमती रहती अगर यून ये दुआ ना करते तो क़्यामत तक वो मछली उनको लेपेट में लेकर घूमती रहती और वो क्या दुआ थी जो मुश्किल कुशाई में जो है सलाम ने की लाता सुबहना का इन्नी कुंतुन ाल ये दुआ थी जो उन्होंने की है ना बहुत से लोग इसको आयत करीमा बोलते हैं जलाली आयत बोलते हैं ये आयत जो है हर बार पढ़ना करीमा है, मतलब कराम कर, 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 मतलब जिसकी वजह से अल्लाह करम करता है जलाली मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के पढ़ने के बाद जलाल में आ जाता है दुआओं को सुनता है ये माना होता है बहरहाल तो अगर यूनूल सलाम ने क्या दुआ की थी ला इलाहा इल्ला अंता लाता सुबहाना का इन्नी कुंतु ला इलाहा इल्ला अंता नहीं कोई माबूद है अल्लाह अल्लाए तेरे सुबहाना तेरी ज़ात पाक है कि मैंने ही खता की कि बगैर सोचे समझे बगैर तेरे फैसले की ये सोचा कौम आप गुना करेंगे तो अज़ाब आएंगे और निकल आया सुबहाना तेरी ज़ात पाक है इन्नी कुंतु अल्लाह मैं ही यकीनन खतः कारो में इस्लाम मैंने गलती की कि तेरे हुक्म के बगैर चला आया यूनुस ने क्या गलती कर ली थी खता क्या थी इनकी कि जब कौम को दावत दी लगा कि कौम ईमान नहीं लाएंगी बादल आए जो अज़ाब के थे यूनूसम को लगा कि अब बादल अब अजाब लाने वाले और बगैर अल्लाह के हुक्म निकल के चले गए जबकि हुआ क्या यूनुस एक ही कौम है, है पूरे कुरान में जिसने अजाब को पहचान लिया कि अजाब बाकी सारी कौमें वर्गर होंगी जैसा कि समूद के पास हवा तो ये हवा तो अब फ़ायदे लाने वाली पॉलिनीशन होगा कीड़े आएँगे झाड़ लगेंगे वह सोच रहे हैं किसी यूनूसम के बादल आए तो उड़ा है बारिश होंगी खेती बाड़ी होने वाली वो सोच रहे हैं यूनूल इस्लाम की खौम एक ही कौम कुरान में जब बादल देखे समझ गए अजाब के हैं ये बादल खुशखबरियाँ नहीं लाए हैं देखते ही तोबा कर ली कि ही खौम है जिसने तोबा की अजाब को देखी बाकी सारी खौमें अजाब को पहचान नहीं सकी और हलाक हो गई अब कौम ने तोबा कर ली यूनूसम चले गए पहले ही निकल के अल्लाह ने फिर सजा दी इसलिए कि अल्लाह अपने नेक बंदों से थोड़ी भी खता पसंद नहीं करता है समझ रहे आप सबसे अच्छे स्टूडेंट से टीचर थोड़ी भी गलती पसंद नहीं करता है एक गलत स्टूडेंट को तो छोड़ ही देता है भाई इसको चलो ठीक है माफ़ करते रहेंगे लेकिन एक सिंसियर स्टूडेंट से छोटी सी मिस्टेक भी बर्दाश्त नहीं करता तो रब है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगजीदा नबी है तो छोटी सी मिस्टेक भी अल्लाह ने उन्हें की खता पकड़ ली कहाप जाओ मछली के पेट में डुबा दिया उस कश्ती को जिसमें जा रहे थे और आई मछली निकल के ले गई तो आप सब फरमाते हैं कि अगर यूनुस ये ना पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला त्यामत तक घुमाते रहते हैं को फिर आपने कहा रसूल तो आगे फरमाते हैं जो मुसलमान इस आयत करीमा को पढ़ कर दुआ करे अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमाएगा फिर आ गया ना जुमला क्या है ला इला सुभान। आ गया फिर ला इला। ला इला की बरक़ात फजाइल इतने ज्यादा जिसकी कोई को नहीं आइए सिक्सटीन बेनिफिट सोलव सोलवी फजीलत ला इला, 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 इला की क्या है कलम तैयबा पर इस्लाम की बुनियाद क़ायब है इसी कलमे पर इस्लाम टिका हुआ है पूरा आप सुनि कई हदीसें इतनी है कि किसी को इंतिया नहीं कि बुनियाद इस्लाम आला खम सि इस्लाम की बुनियादें पाँच चीज़ों पर है शहादत अल्लाहअल्ला मोहम्मद गवाही देती कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं और मैं मोहम्मद रसोलूँ तो कलमे तय्यबा और आप देखिए कोई मस्जिद में चार्ट होता है शहादत नमाज रोज़ा जक़ा थच एक झाड़ उसको पाँच फूल बताते बुनियाद ही फाउंडेशन है ये इस्लाम की और इन पांचों में से भी ला सबका बेस है हैजा भी तब कबूल जब कलमा सही तोहिद सही नवा भी जब कबूल जब तो सही जक़ात भी जब कबूल जब तो सही सब चीज़ें जब कबूल हज भी तभी कबूल जब तोहहीद सही तो ये बेस है तो कलम तयबा फाउंडेशन है बेस है इस्लाम का जिसका ये गलत उसका पूरा इस्लाम गलत जिसका ये सही पूरा इस्लाम सही 16 बेनिफिट फजीलत पूरा इस्लाम इस पर टिका है तो कल में तय्यबा को माने को समझना इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना यह हमारी ज़रूरत है वरना हम नाकाम कहलाएंगे आखिरत में याद रखें सत्रहवा फ़ायदा और आखिरी फ़ायदा जो आज रखूंगा इसकी फजीलत कल में तयबा कि ला, ला की वो क्या है कल में तय्यबा का वज़न बड़ा भारी है इसकी इतनी बड़ी फजीलत आई है क्या फजीलत है कि मूसा आसलाम जैसे नबी भी परेशान हो गए इसकी फजीलत सुनी आई हदीस के अल्फाज इस तरह से सही हिबान की रिवायत है नबी इक्रम सल्लम फरमातर कहते हैं मूसा सलाम ने एक मरतबा देखा सारे ही लोग ला, या ला, या ला कहते हैं मैं नबी हूँ मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ मुझे कुछ अलग मिलना चाहिए तो एक मरतबा अल्लाह से क्वेश्चन किया सवाल किया और कहा ए परवरदिगार ऐ दुनिया कायनात को चलाने वाले आप मुझे कोई ऐसे कलमा सिखा दीजिए कि जिसको पढ़कर मैं आपको याद करता रहूं उनको क्या लगा वो नबी है कुछ हटकर पढ़ना चाहिए नबी ने कुछ हटकर इबादत होनी चाहिए तो क्या अल्लाह कुछ ऐसा कलमा बताओ कि जो कलमे को मैं पढ़ू तो स्पेशल आपकी इबादत हो आपको याद करूँ और इसके साथ दुआ मांगा करूँ आपसे मैं इस कलमे के साथ ठीक मांगा करूं अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो अगर तुमको मेरा जिक्र करना है सबसे अफजल जिक्र करना है। और इस कलमे के जरिए दुआ मांगना है तो कौन सा कलमा है मांगने के लिए ला इलाहा ला अल्लाह तो ही सब कुछ देने वाला ये कलमा है वसीला ही है ये तो कहा दुआ मांगना है तो इस कलमे के जरिए मांग अब मूसा मूसम ने फरमाया हजरत मूसा मूसल ने कहा फरमाया ये तो तेरे सारे ही बंदे कहते हैं ना मैं तो स्पेशल चाह रहा हूँ ना कुछ तो सभी कह रहे हैं ये भी कह रहा है वो भी कह रहा है सभी कह रहे हैं मेरी पूरी ख़ौम कह रही है आने वाले लोग कहेंगे पिछले लोगों ने कहा मैं तो स्पेशल चाह रहा हूँ कुछ आपसे मैं तो आपसे कलाम करता हूँ ना कलीम हो तो स्पेशल कुछ दीजिए मुझे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मूसा अलैहि सलाम से अर्ज़ किया ये तो तेरे सारे बंदे कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया यही कलमा पढ़ा कर काफी है मूसा यही काफ़ी है मूसा अलैहि सलाम ने कहा कोई मखसूस चीज़ बताइए लेकिन मूसा अलैहि सलाम की फितरत फ़ितत ज़िद्द करते थे अल्लाह से तो कहा नहीं कुछ स्पेशल मुझे चाहिए और ये तो आप सब बंदे पढ़ते हैं सारे लोग पढ़ते हैं मुझे स्पेशल चाहिए तो अल्लाह तैयार ने सलाम ने कहा नहीं मुझे कुछ मखसूस चीज़ बताइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ए मूसा तुम इस कलमे को मामूली समझते हो मामूली समझते हो अगर इस कलमे का वजन तराजू में किया जाए और एक पड़ले में सारी ज़मीन और सारी आसमान मतलब सात ज़मीन और सात आसमान मतलब चौदह चीज़ें रख दी जाए और दूसरे पलड़े में सिर्फ़ ला लाला ला जिसको तुम मामूली समझ रहे हो मुझसे कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हो अगर इसको रख दिया जाए तो ला इला, ला इला ला का पलड़ा भारी हो जाएगा और सातों ज़मीन और आसमान हल्के साबित होंगे और सातों ज़मीन और आसमान का वज़न क्या हो सकता है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते अन इमेजिनेबल अमाउंट ऑफ़ वेट है वो उस वज़न का अंदाज़ा नहीं हमारी दुनिया का वज़न कितना होगा हमारी सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे सूरज और हमारी जो आस जो कायनात में प्लानट जिस कहते हैं उनका वजन कितना होगा और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसके अंदर दुधिया गैलेक्सी में सौ ट्रिलियन स्टार है बहुत बड़ी गिनती होती है सौ बिलियन का एक ट्रिलियन होता है सौ ट्रिलियन स्टार है और एक एक तारा सूरज से भी कहीं कहीं गुना दस दस बीस बीस तीस तीस चालीस चालीस बल्कि सूरज के मुकाबले में तेरह मतलब तेरह मतलब तेरह सौ बिलियन टाइम्स उसका वेट ज़्यादा होता है वो हिसाब बहुत बड़ा है ये हम कर नहीं सकते आसानी से हमारे कैलकुलेटर भी नहीं करते बारह डिजिट से आगे चल जाता है ये एक एक इतना वज़नी है ये सिर्फ हमारी है और हमारी कायनात जो पहले आसमान से पहले तमाम चीज़ें इसके अंदर तीन सौ खरब ऐसी कायनातें चल रही है जो हम देख सकते हैं इसके अलावा कितनी होंगी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है ये सब पहले आसमान से पहले की बात हो रही है अभी पहला आसमान बाकी है दूसरा तीसरा तो सात आसमान और सात ज़मीन गो है चौदह चीज़ें एक पर में हैं डाल दी जाए और सिर्फ एक पढ़ने में ला इला डाल दिया जाए तो मुँह सा ये पढ़ना भारी पड़ जाने वाला है यह इसकी फजीलत ला इला की तो क्या ये फजीलत सिर्फ पढ़ने से है नहीं मेरे भाइयों पढ़ कर इसके तकाजों को पूरा करके सारी जिंदगी तोहिद पर गुजार के इसी पर मरने पर मिलती है यह फजीलत ये कलमा बहुत भारी कलमा जो हमें मिल चुका है याद रखिए इसका फ़ायदा उठाने की जरूरत है आइए आगे एक और वाक़ सुनिए बड़ा प्यारा वाक़ा है और मुस्द अहमद की रवायत है आप वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत का एक शख्स जो जो शख्स होगा उस शख्स को सब के सामने लाया जाएगा एक शख्स इस उम्मत से मोहम्मत मोहम्मदी से लाया जाएगा सब के सामने लाया जाएगा इसके आमाल के निन्यानवे दफ्तर होंगे नाइन्टी नाइन रजिस्टर्स फुल हो चुके होंगे और नाइन्टी नाइन के नाइन्जिस्टर्स गुनाहों से फुल होंगे उसकी इतना गुनगा मेरी उम्मत का एक शख्स लाया जाएगा जिसके निन्यानवे दफ्तर होंगे हिसाब किताब के रजिस्टर्स होंगे हर दफ्तर को जब उसके सामने खोला जाएगा तो एक दफ्तर जमीन से लेकर आसमान तक खुल जाएगा जहां तक नजर जाएंगे उसका दफ्तर खुला है खुला है खुला है खुला है और खुला है इतना बड़ा दफ्तर मतलब एक उसका रजिस्टर जिसमें उसके नाम आमाल फरिश्तों ने लिखे हैं एक दफ्तर जब खोला जाएगा तो जमीन और आसमान के उतना जहां तक नजरें जाएंगी वो दफ्तर खुला होगा और उसमें उसके गुनाह लिखे हुए होंगे तो नाइनटी नाइन रजिस्टर्स भरे हुएंगे उसके सिर्फ गुना से निन्यानवे दफ्तर हैं है, अल्लाह सुमहान तला इसे फरमाएंगा और उससे कहेंगा क्या तू इन दफ्तरों में से किसी दफ्तर और किसी फरिश्ते की लिखी हुई चीज़ का इनकार करता है डिनाइल करता है कि मैंने गुनाह नहीं किया तो गुना नहीं। मैं एक चीज का भी तो उससे इनकार नहीं कर सकता हूँ कि गुना मैंने नहीं किया मतलब मैंने सब किया यह गुना 99 रजिस्टर्स गुनाहों से फुल है एक दफ्तर ज़मीन से आसमान के बीच में खुला है सारे गुनाहों से भरे अल्लाह पूछेंगे बंदे तुझ पर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है ना मेरे फरिश्तों ने कोई बात गलत तो नहीं लिखी इन दफ्तरों में से चेक कर वो कहेंगे अल्लाह एक बात भी तेरी फरिश्तों ने गलत नहीं लिखी सब किया मैंने वाकई में इतना गुनागार था इनका इकरार कर लेंगा वो कहेंगे दफ्तर का इनकार करता है वो लिखने वाले निगरान फरिश्तों से तुझ पर कोई जुल्म किया है तो वो शख्स कहेंगे और अल्लाह ताला से फ़रमाएंगा ए अल्लाह तेरे फरिश्तों से कोई ख़तर और गलती नहीं हुई मेरे परवरदिगार फिर अल्लाह ताला फरमाएंगा क्या तुझे कोई उज्र है क्या तू कोई पेश कर सकता है एक उज्र कि नहीं ऐसा नहीं अल्लाह ऐसा था तो ऐसा किया वो कहेंगे अल्लाह मुझे कोई उज्र नहीं मैंने गुनाह किया है मैं क्या अब तुझे उज्र ना मेरे पास कोई उज़्र है ना तेरे फरिश्तों ने कोई मिस्टेक की राइटिंग में सब सही है जो उन्होंने लिखा है मैं था इतना गुनाहगार निन्यानवे दफ्तर मेरे गुनाहों से जो भरे वाकई में मैंने किए है अल्लाह ताला फरमाएंगा हाँ मेरे पास तेरी एक नेकी लेकिन बाकी है चूंकि आज का दिन तुझ पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा आज का दिन तुझ पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा तेरी एक नेकी है जो मेरे पास पड़ी है वो भी देता हूँ तुझे निन्यानवे दफ्तर तो देख ही रहा है एक नेकी उसी दिए जाएंगे जिसके लिए हदीस में अल्फाज आता है बत्ताखा बत्ताखा वैसे जो 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 लोग गलत जाते हैं एक आईडी को बोलते हैं बत्ताखा गए थे छोटे से कवर इस पर कुछ लिख के दिया जाता है जाके बता दो मेरा नाम बत्ताखा तो उसको हदी से बत्ताखा भी बोलते हैं तो उसको एक छोटा सा आई कार्ड अल्लाह ऐसा छोटा सा देंगे चिट्ठी देंगे कहेंगे एक ही नेकी है तेरी मिलती है चूँकि आज जुल्म तो नहीं होगा निन्यानवे दफ्तर खुले हैं गुनाह के नेकी भी तेरी लेकिन है एक तो वो एक छोटा सा कवर जो बंद होगा लिफाफा एक छोटी चिट्ठी होंगी उसको दी जाएंगी तेरा एक नेकी बाकी थी ये एक नेकी तू ले ले ठीक है और हाँ तेरी एक नेकी जो मेरे पास है तू उस नकी को ले ले और क्यामत के दिन तुझ पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा जो तेरे गुनाह है उसकी सज़ा दी जाएंगी जो तेरी नेकियां वो भी तुझे दी जाएंगी ना ऐसा नहीं कि इतने गुनाह है तो तेरी एक नेकी नहीं ले तेरी नेकी दी जाएंगी और उसके बाद वो नेकी को लेंगा फिर एक पर्चा निकाला जाएगा जिसमें जो है वो, वो जो पर्चा होगा जो वो पर्चे को वह इंसान खोलेगा उस पर्चे में लिखा होगा अशहदु अशहदा इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूल ये लिखा हुआ होगा उसने ज़िंदगी में एक बार गवाही दी थी कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा को मबूदे बरक नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल है बंदे और रसूल और बंदा इंसान होता है याद अब्द कहते हैं इंसान को बंदे और रसूल है एक इंसान है और उसके रसूल है ये उसमें लिखा हुआ होगा, लिखा होगा फिर अल्लाह हज वजल जो है फरमाएंगा जिस जगह तेरी नेकी तोली जाती है इस जगह तू हाजिर होना वहां मैं तुझसे बात करूंगा फिर वो बंदा उस एक बत्ताखे को लेकर निनैन और रजिस्टर तो उठाने लायक उसकी ताकत नहीं थी एक छोटा सा कार्ड लेंगे बत्ताखा जिस पे ये यह लिखा होगा वो रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब अल्लाह उसको बुलाएंगे कि मुकाम पे मतलब पहले बातचीत होंगी हिसाब शायद किसी और जगह और होंगे जहाँ अमल तोले जाएंगे फर्स्ट बातचीत होंगी फिर अमल तोले जाएंगे तो अल्लाह कहेंगे वहाँ मिलना मुझसे वहाँ मैं तेरे इस बत्ताखे इस जो छोटी नेकी को देखा जाएगा क्या इससे होता है और वो इंसान परेशान होगा कि एक नेकी नन्नवे दफ्तर मेरे फुल थे गुनाहों से और अल्लाह ताला जो है कहेंगे कि वहाँ आकर मुझसे मिलना हाजिर होना वो शख्स कहेंगे अः अल्लाह ये पर्चा है निन्यानवे दफ्तरों के मुकाबले में क्या साबित होगा आप क्यों मुझे बुला के वहाँ रुसवा कर रहे हैं डाल दीजिए जहनुमुव में उठा के वहाँ आऊँ इतना सा एक बत्ता का एक छोटा सा लेकर कूपन लेकर आ रहा हूँ और वहाँ क्या साबित होगा नाइनटी नाइन रजिस्टरों के मुकाबले में एक नेकी क्या मेरी साबित होंगी क्यों आप जलील करने वहाँ बुला रहे हैं यहीं मुझे जहनु में डाल दीजिए तो अल्लाह कहेंगे नहीं आज के दिन जुल्म नहीं होता है जब तोले जाएंगे बोले तो तोले जाएंगे जुल्म नहीं होने वाला तो तुम वहाँ आ जाना और वो जो है आज तेरे सवाब में कोई कमी नहीं होगी जितना किया उतना तो देना ही पड़ेगा लिहाजा तेरा वताखा तोला जाएंगा और देखा जाएगा उसके मामले और फिर वो छोटी सी चिट्ठी जो उसके पास होंगी वो लेकर जाएंगा जिसमें कल मैं तैयबा पढ़ाऊँगा जिंदगी में सच्चे ख़ालस दिल से एक बारी से वो लिखी भी होंगी उस पर लेके आएंगे और चुनानचे कल में तैयबे वाला जो है तराजू लगाया जाएंगा और एक पढ़ने में कल में तयबा रख दिया जाएंगा और दूसरे पढ़ने में उसके सारे निन्यानवे दफ्तर गुनाहों के रख दिए जाएंगे आप फरमाते और कहते चुनान छः जो है वो तोला जाएंगा और उस दिन कमी नहीं होगी तो कल में तयब वाला पड़ा उसका भारी पड़ जाएगा निन्यानवे दफ्तरों गुनाहों के मुकाबले में क्योंकि उसने एक बार सच्ची गवाही दी थी, थी अल्लाह के बारे में तो 99 नाइन उसके दफ्तर जो गुनाहों के थे हल्के पड़ जाएंगे और एक कलम उसका पल्ला भारी रखा जो है भारी पड़ जाएगा पर्चे के एक जो है पर्डे में रखा जाएगा और नाम अमाल के निन्यानवे दफ्तर दूसरे पल्डे में रख रखे तोले जाएंगे तो दफ्तर वाला पल्डा जो छोटा है वो हल्का पड़ जाएगा और निन्यानवे दफ्तर उठ जाएंगे और कलम ला का पल्डा झुक जाएगा भारी होगा अल्लाह ताला के नाम के मुकाबले में कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती अल्लाह फरमाएगा तूने अल्लाह का नाम लिया था सच्चा नाम लिया था एक बार ही सही आज कोई चीज़ इसके मुकाबले में भारी नहीं पड़ने वाली तुझ पर लिहाजा उसकी मखफ़िरत कर दी जाएगी ला की फजीलत देख लें यक़ी इस हदीस को कभी भी इस माने मत लीजिए इस माने में हरगज मत लीजिए कि हदीस दावत दे रही है गुनाह करने पर उसने गुनाह किए थे उसने गुना किए थे उसने ख़तएँ की थी लेकिन उसके अपने रब से माफ़ी थी और उसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से बोला गया बाकी था मैं और आप नहीं जानते वाक़े में और गुनाह याद रखी जो हो जाते हैं एक अलग चीज़ है गुनाह करना जान मुझ के ये अल्लाह के ख़िलाफ़ ज़िद है याद रखी ये सरकशी कहते हैं मालूम है इसके अजाब है क्या आऊँगा देखा जाएगा करेंगे नहीं उसने किए वो नादिम था उसने तोबा की होंगी अल्लाह ने तोबा कबूल कर ली थी और इस एक कलमे के मुकाबले में उसको माफ़ कर दिया समझिए इस बात को और ना बोलेंगे ये तो दावत है गुनाहों की ना ये दावत नहीं है गुनाहों की दावत नहीं हदीस गुनाह ये हदीस बता रही है उसने सब कुछ जानने के बाद गुनाह किए लेकिन अपने रब सच्ची माफ़ी मांगी और नेकी कुछ थी तो वो उसका अकीदा जहा जो बिल्कुल सही था जो छोटा सा एक चिट्ठी में था लेकिन वो छोटी चिट्ठी भारी है कि तो उस परल्लाह का नाम था और बाकी गुनाह हल्के पड़ जाएंगे चूंकि उसने तबाह भी की होंगी इस बात को समझिए वरना इस माने को जो है भद्दे अंदाज़ में हदीसों को मत लिया कीजिए कि गुना माफ हो जाएंगे नहीं और गुनाहों को जानबूझ के करना सरकशी याद रखी तो अल्लाह तब तो नहीं माफ़ माफी सरकशी मालूम होने के बाद भी कर रहा है मतलब रूल बनाए वाने के बाद तोड़ने को आप बोल रहे हैं फाइन भर दूंगा नहीं ये नहीं होता इस्लाम में बहर यार तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा तो कल मैं तैयबा में चूँकि अल्लाह की वहदानियत है उसकी तोहहीद है उसका एक होना है उसका नाम है अल्लाह जो सबसे उसको प्यारा नाम है और उसी नाम से उसने अपने आप को पुकारा कई बार तो बहरहाल वो है इस वजह से पढ़ना भारी हो जाएगा तो कलम तोहद सिर्फ कलाम नहीं है एक जुमला नहीं है कलम तोहद एक ज़िंदगी जीने का तरीक़ा याद रखी जिसने इस पर ज़िंदगी गुजारी सच्चे दिल से इसको पढ़ कर वो कामयाब रहा और जिसने जिंदगी गुजारी इसको छोड़ कर इसके मानों को छोड़ कर इसके तकाज़ों को पूरा ना करके वो कामयाबी के बारे में सोचे भी ना याद रखें सोचे भी ना कामयाबी के बारे में तो बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है कि हम कल में तोहद का सच्चे दिल से अकरार करें जो उसका हक़ है उसको अदा करें इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार गुजारें मुस्द अहमद की रिवायत आपसन फरमायर कहा आखिर दखल जिसका आखिरी कलाम लगा वह जन्नत में जाएंगा हम भी कोशिश करें आखिरी कलाम अगर हमारा ला होम चाहते हैं इस कलमे को खूब वृद्ध करें और इस कलमे के मुताबिक इसके तकाजों को पूरा करने में ज़िंदगी बिता दे बस दोनों चीज़ें एक साथ कलमा भी है उसके तकाजों को पूरा करने पूरी जिंदगी खपा दे बस तो फिर उसका आखिरी क़लाम ला, ला ज़रूर होगा वो जन्नत में जाएंगा और सही मुस्लिम की रवायत नाम ने फरमा कहा लखनऊ ला लह अपनी मैयत को मरने वालों को ला लल्ला की तलख़ी किया करो ये बड़ी अहम चीज़ है मैं इन बात को आखिर में जो है एक वाक़े से ख़त्म करता हूँ एक मोहदस थे हाफिज इब्न अबी हातिम ने अपनी किताब में लिखा है एक महदस जिनका नाम अब ज़रा रहमत आता है और उनके इंतकाल का वक्त खरीब आ गया जब उनका इंतकाल का वक्त खरीब आया तो लोगों ने उनसे वही कहा लक़ अपने मोता को तलख़ीन किया करो ला ला लोग आए और तलख़ीन करने ला कि ला पढ़ो तो उन्होंने जो है अबू ज़रा रहमत लाई ने उस हदीस को पढ़ना शुरू किया वो बताख़ वाली हदीस उस हदीस को पढ़ा चूँकि मोहदीस थे और उसके सन्नत के साथ पढ़ा इससे पता चलता असलाफ के नज़दीक सिर्फ मतन नहीं हदीस की सनत ही बड़ी अहमियत रखती थी तो पूरी सनत पढ़ी सनत पढ़ने के बाद हदीस का मतन पढ़ने लगे और हदीस का मतन पढ़ते पढ़ते जब वहाँ है जो शख्स को बत्ताखा मिला और उस पर लिखा था ला इला, इला इल्ला इल्ला, जब उस जुमले पर पहुँचे तो वहाँ उनकी रूह परवाज हो गई पूरी हदीस पढ़ी हदीस में रावी पढ़े रावी पढ़ने के बाद जब वहाँ उनके जुमले आए कि अल्लाह ने कहा कि तेरे पास एक बत्ता खा उस पर लिखा ला 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 जब ला लाला ला पर पहुँचे तो उनकी रूह परवाज़ कर गई और उसी के साथ उनकी मौत आ गई तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी कलमे पे गुजारी होंगी ज़िंदगी उनकी इसके मुताबिक होंगी इस हदीस के मुताबिक होंगी तो बहरहाल इस हदीस का शौक़ और रिवायत करने का और रावी को बयान करने का शौक़ और उनकी कलाम देखिए पूरा करके इस हदीस के जुमले पहुंचे कि अल्लाह मैंने अगर निन्यानवे दफ्तर भी मेरे गुनाह के होंगे तो इस हदीस को मरने से पहले मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरा भी मामला ये करना कि ला 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 की वजह से उन निन्यानवे दफ्तर अगर गुनाह के होंगे भी तो मैंने माफ़ कर देना और इस जुमले पर आके ला इला ला इला पर उनकी वफात हुई उनका इंतक़ाल हुआ और वो दुनिया से चले गए तो हम तमाम को चाहिए अल्लाह अल्लाब से हमेशा दुआ करें कि अल्लाह सुबह तला हमारा हुसन खात्मा करे और हमें जो है मौत से पहले ये कलमा ज़रूर भी ज़रूर नसीब करें जिसको ला इला कहते हैं कलमा हमारी ये को अगर ऐसी बेहतर और इससे अच्छी मौत किसी की हो सकती है तो हमें चाहिए अपने की हम दुआ करें और अल्लाह से जरूर दुआ करें कि हमारा खात्मा जो है जरूर जो है इस कल पर लाला मोहम्मद रसुल्ला पे हो लेकिन मेरे भाइयों इस कलमे के कुछ तकाजे होते हैं उन तकाजों को भी पूरा करना जरूरी है सिर्फ कलाम या सिर्फ जुमला असल नहीं जुमले के साथ कुछ अमाल है वह करना है तो हमें अपनी जिंदगी को इस कलमे के मुताबिक ला 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 मोहम्मद रसुल्ला के हुक्म और रसूल के हुक्म के मुताबिक है। ये तो कलमा हम चाह रहे हैं ना आखिर में आखिर में जो पढ़ रहे हो तो खाली जुमला है लेकिन उससे पूरी जिंदगी लगी है गोया ये एक वो होता है ना कि पानी के अंदर जो बर्फ़ होता है उसकी कि एक नोक आइसबर्ग जिसको बोलते हैं उसकी एक नोक है नीचे पूरा पहाड़ होता है उसका पहाड़ जो होता है ज़मीन पे इतना ऊंचा होता है नोक होती है लेकिन असल साइंस कहती है वो पहाड़ नीचे कई गुना बड़ा होता है तो बस ये तो ला इलाहा एक, एक जुमला है लेकिन इसके पीछे पूरी ज़िंदगी लगी है महमदर रसोला एक जुमला है लेकिन पूरी ज़िंदगी इस नबी के तरीके पर ये असल चीज़ है तो जिसने अपने रब को माना उसके मुताबिक अमल किया और जो अपने आख़री नबी को माना इसके मुताबिक किया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल बस ये दो शख्सियात हैं इसके इनके मुताबिक जिंदगी जिसको शरीय कहती शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजर जाए अल्लाह के कलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम दोनों मिला के बनती है शरीयत कुरान और हदीस जिसने इसके मुताबिक गुजारा बस वो तो कामयाब रहा तो हमें अगर कामयाबी चाहिए ऐसी मौत चाहिए ऐसा खात्मा चाहिए तो ला ला को जिंदगी बना ले और ला लल्ला के मुताबिक जिंदगी हो हमारे जिंदगी पे कोई लोग कोई समाज कोई कौम असरात ना डाले, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कलमे का असर और उस नबी का असर हमारी ज़िंदगी और जिंदगी से छलके कि हाँ वाकई में नबी के और इस रब के मानने वाले जिसने इन्हें पैदा किया ये ना कि मनमानी की रब को छोड़ के दूसरों को पुकारा शिर किया और नबी करम की इतबा के ख़िलाफ़ आपकी नाफरमानियाँ की और फिर कह रहे ला लल्ला ये ला लल्ला कुछ काम नहीं आने वाला जब तक के उसके पीछे तकाजे अमल ना किया गया लिहाजा अपनी ज़िंदगी को हम ढाल लें और ला लह महमदरसोल्ला के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को हम गुजारे तो इनशा अजीज़ हमारी ज़िंदगी और हमारा ख़ात्मा भी जो है इन शा पे होंगे मैं इसी पर अपनी बात तो खत्म करता हूँ अल्लाब्ज़ सदा कि आसमान तला हमें हकीक़ी मानों में ला अ महमदरसोल इस कलमे को चाहने वाला इसको पढ़ने वाला बना दें और हमारा खात्मा जो अल्हबत इसी कल पर हमें करे, करे। हाँ खात्मा भी जो इसी कलम पर करे जब तक हमें ज़िंदा रखें इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखें खात्मा हमारा ईमान पर हो वाखिर दावानद्बिला सफ़ैन रब्ज़तमसफ़ून वसलमसलीम वहमदल्लाबीआलम बसमानदिलबीआलमिनलात वसलामन नबीन वमसली रबिशर सदरी السلام عليكم. शेख साहब मेरा सवाल है आपने बोले कि लो अल्लाह ताला तहनमु जा, को बाहर निकालेंगे कलमे के बेस पर तो उनकी सज़ा पूरी होने के बाद निकालेंगे बीच में से देंगे. कलमे के भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि जो तोही, ला इला इला पढ़ने वालों को अल्लाह से निकालेगा तो सजा भुगतने के बाद देखिए के बाद आखिरत की जो जिंदगी है उसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें जो कुर हदीस में आती हैं इसको मिन जुमला इसकी हकीकतों पर समझना बहुत सी बार नामुमकिन होता है चूंकि ये गायब की बात हो रही है ना और एक ऐसे दौर की बात हो रही है जिसमें वक्त का तक खत्म हो गया समझ रहा गायब की और कभी समझ में नहीं आती अब भाई का सवाल है क्या वो जो बात हो रही निकाला जाए तो किस बुनियाद पर लिखा जाएगा पहला एक इंसान को समझ लीजिए सजा सजा क्या सजा सौ सजा दिन सौ घंटे जो भी सजा हंड्रेड में समझ लीजिए हंड्रेड सजा भुगत लिया सजा भुगतने के बाद भी उसके लिए अखीदे का दुरुस्त होना शर्त वरना जन्नत में नहीं जाएंगे ये बात तो अखीदे का दुरुस्त होना सही होना ये तो कंडीशन है इसके अलावा अगर इंसान ने करोड़ों नेकियां की हो बहुत पहाड़ जैसे दस पहाड़ नेकियों के बना लिए हो जमीन और आसमान के बराबर नेकियां की हो तो भी सिर्फ जहन्नुम का अजाब हल्का हो सकता है लेकिन जन्नत में तो नहीं आ सकता तो समझो उसने सौ भुगत लिया सौ के बाद भी अगर जा रहा है तो कल में तैयबा की फजीलत की वजह से अकीदत सही था वहां भी वैसे ये भी हो सकता है सामने कहा क्या बीच में से हाँ ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला कभी अहले जो है आखिरत के जो लोग हैं चाहे जन्नती हो चाहे दो ज़ख़की हो ये को ये करें कि मैं आज माफ़ करना चाहता हूँ किसी को या कोई दिन कोई घड़ी हो सकता है अल्लाह मुकर कर ले जाए ये बहरल आख़िरत की बात है हो सकता है और उस रोज़ अल्लाह आवाज़ देता हुआ लोगों की चलो निकालो चलो निकालो हो सकता है या उस केस में आ जाए कि सज़ा तो थी हंड्रेड लेकिन फिफ्टी के बाद बुलावा आ गया सिक्सटी के बाद अल्लाह ने कहा निकाल लो ठीक है दोनों भी हो सकता है लेकिन एक हदीस में आता है कि अल्लाह रब्ज़त जो है आखिरत में जहनुम कहेंगे और लोग अंदर दो और लोग अंदर दो अल्लाह कहेंगे हो गया हो गया लेकिन जहनुम फिर भी आवाज़ दो तो अल्लाह ताल अपने कदम मुबारक को जहनम के अंदर डाल देंगे जो ही अल्लाह ताली अपने कदम मुबारक को जहनुम में डाल देंगे तो जहनुम समझ जाएंगी जा जा कोई नहीं है चूंकि जहनुम खाली होंगी इतनी लोगों के बाद वो कहेंगे और डालो और डालो अल्लाह कहेंगे ख़त्म हो गए वो नहीं समझेंगे तो अल्लाह समझ जा जाएगा उसकी शिद्दत चूंकि वो एक हकीकत है तो अल्लाह अपना कदम मुबारक रखते ही वो कहेंगे अल्लाह मैं समझ गई अब कोई नहीं है बात ठीक है उसके बाद एक आवाज़ लगाई जाएंगी जहनुम अब कोई भी जो है जो है इंसान तुझमें जाने वाला नहीं है फिर उसके बाद लोग जहनुमुम से फ़क्ता फवक्ता निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते अल्लाह कहेंगे और है निकालो और है निकालो और निकालो एक ज़माना आएगा जब अल्लाह जहनुम से कहेंगे क्या कोई और है निकालो तो जहनुगे अल्लाह मुझ में सिर्फ काफिर और जो है मुशरक बाकी है बाकी सब निकल कर चले गए मतलब सिर्फ काफिर और मुशरक बाबे इससे इसका मतलब यह है कि एक भी इंसान जिसने सच्चे दिल से कलमा पढ़ा होगा वो भी निकल कर चला जा रहा है अब वही आपका सवाल है कि क्या वो बीच में जा रहा है या सजा भुगत कर आलम अगर भुगत कर भी जा रहा है तो कल में तैयबा की फजीलत से ही और बीच में से भी अगर जा रहा है तो कल में तैयबा की ही फजीलत से जा रहा है कल में तोहद की फजीलत से जा रहा है तो हदीस का माना दोनों हो सकता है बीच में से भी और सजा भुगतने के बाद भी वल्लाम सवा बहर बेहतर जानता है फिर क्या असलकुम शेख जैसा कि अदीस में आया है कि जो शहदा मतलब शहीद होते हैं तो उनकी फजीलत यह है कि उनका खून का कतरा ज़मीन पर पड़ने से पहले उनकी मफफ़रत हो जाती है तो क्या ऐसे शहदा से भी कब्र में और मैदानी मशर में सवालात ने सवाल किए जाएंगे मैंने सवाल किया कि चौदह के तल्ल से हदीस में आता है कि खून का ख़तरा गिरने से पहले उनकी मफफ़रत हो जाती है तो क्या इनसे भी सवाल जवाब होंगे तो हाँ सवाल जवाब का मरहला सब्स को गुजरना है चूँकि उनके एक्सेप्शनल होने की कोई दलील हमको नहीं मिलती आप सबने कभी नहीं कहा कि सौदा से नहीं होंगे आपने कभी नहीं कहा ये सहाबी से नहीं होंगे आपने कभी नहीं कहा उससे तो चूँकि कोई एक्सेप्शनल की दलील नहीं है लिहाजा सबसे सवाल होंगे और शहदा से भी जो जहर उजाम सवाल होने वाले हैं एक सवाल किसी ने किया अगर किसी मुसलमान की मौत कलमे पर हो तो क्या वो शख्स डायरेक्ट जन्नत में जाएगा या फिर इसके गुनाह की भरपाई के बाद याद रखिए अगर कोई शख्स किसी की मौत कलमे तोहद पर हुई हो तो इन शज़ीज़ वह जन्नत में जाएगा आलम के अल्लाह अगर उसने तौबा कर चुका है मौत से पहले अल्लाह माफ़ कर दे या उसको पकड़ कर सज़ा देकर माफ़ कर दे कि अल्लाह जो माफ़ करता है आता है वो दो तरीक़े की माफ़ी है एक माफी डायरेक्ट किया और निकल गया दूसरी माफ़ी डायरेक्ट नहीं होती दूसरी माफी सजा भुगत कर आए और सजा भुगत कर माफी देना भी अल्लाह के रहमान और रहीम वाली सिफत में दाखिल है वरना अगर अल्लाह कहता तहत गुनाह करो और हमेशा जहनुम में चले तो क्या कर सकते थे तो सजा भुगत के भी माफ़ करता है बड़ी बात है और जहनुम के ताल्लुक से आता है जो जहनुमी सजा भुगत कर आएंगे तो वो अलग होंगे जन्नतियों से कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस होगा हदीस के अल्फाज है कि जन्नत से निकल के जो लोग जहनुमी आएंगे उन पर एक काला दाग बाकी रहेगा पहले तो जहनुम से निकलेंगे और वो जो है आग से निकलने वैसे काले हो जाएंगे उनको धोया जाएगा साफ किया जाएगा उसके बाद वो जब निकल के आएंगे एक दाग रहेगा जिसकी वजह से जन्नति कहेंगे में आ गए जहनुमी में आ गए वो इसलिए कहेंगे कि उनको, उनको याद दिलाएंगे अल्लाह का फजल हो गया अल्लाह का फजल हो गया वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो वो कहेंगे वो में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कहेंगे जहनुम से हो गया अलहद लाला उनको याद दिलाएंगे कि तस्बीहात ज्यादा बयान करो तुम होकर आए हो उधर से समझ रहे हो होकर आए हो तो लिहाजा अल्लाह की माफ़ी के दो तरीक़े एक सीधे माफ़ करता है दूसरा सजा करता सवाल यह है क्या जो इंतकाल कर गया कलमे पर क्या उसकी माफ़ी सीधे होंगी आज़ाब भुगत कर वह अल्लाह उलम यह डिपेंड है वो शख्स उसके गुनह और उसकी तोबा और उसके रब से तल्लु पर कोई इस्लाम लाया और फ़ौर इंतकाल हो गया इस्लाम लाया जैसा एक साहब ने एक वाक़ सुना एक, एक शख्स उन्हें मिला वो ईसाई था वार्ड था गल्फ में वो ईसाई था एक दिन बात हुई उन्होंने इस्लाम की उसको दावत दी उसने इस्लाम को किया कहा कलमा कैसा रहता कलमा पढ़ने के लिए क्या मुझे नहाना पड़ता है या कोई पूल में जाकर डूबना पड़ता है ऐसा ईसाईय में मतलब तो डुबा के निकालते पानी में क्या उन्होंने कहा कुछ भी नहीं बस आप कलमा पढ़ लीजिए ला, लाला ला ये उसने कहा यह है तो इसकी बात क्या करना होगा तो कहा मैं कल बताऊँगा उसने कलमा पढ़ा और चला गया दूसरे दिन वो आया है तो कोई दूसरा गार्ड तीसरे दिन एक महीना हो गया उसने वो नए गार्ड से पूछे कि वो फला गार्ड जो एक रेगुलर आता था क्या वो उसका कहाँ दिख नहीं रहा तो कहा वो एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा शौकीन था इथोपियन था गल्फ मतलब अफ्रीकन कंट्री का था उसको एक्सरसाइज का बहुत शौक़ था तो कहा वो आ, जिस दिन से मैं आया उसकी एक रात पहले उसने एक्सरसाइज किया उसके जिम में और एक्सरसाइज करके वहीं उसको एक खए हुई खून की और वो मर गया बोले जगह पर ही जब भी उसकी मौत आ तो ये ताजुब जम वहीं मर गया तो कहाँ बोले उसको एक खए हुई हमने उठाने तक तो मैं भी जिम जाता बोले वो मर गया बोले उसने हैवी जिम कर लिया जैसे उसकी नस फट गई दिमाग की वहाँ मर गया तो कहाँ मर गया तो देखिये आप उसने ला ला सिर्फ इनसे पढ़ा था लेकिन कुछ भी अमल नहीं किया उसी शाम जिम गया और इतना उससे उम्मीद करते हैं इन शि जन्नत में जाएंगे इसलिए कि अगर वो सच्चे दिल से था अगर खाली इफार्मेशन के तौर पर था तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है अल्लाह क्या फिर लेकिन ऐस अगर उसका इस्लाम कबूल करने का था उसने बोला भी था मुझे करना है बताइए कलमा उन्होंने पढ़ाया था तो बच भी जाएंगा तो देखिए कोई अमल ही नहीं किया उसने तो पिछली जिंदगी उसकी माफ़ हो जाएंगी इनशा उसके लिए जो है जन्नत होंगी तो ये डिपेंड है इंसान उसके शख्स और उसके हालात पर तो लिहाजा हो सकता है सीधे भी और हो सकता है जहनुम की आँख भुगत के बुझाएंगे वल्लाह आलम किसी ने सवाल किया जिक्र करते वक्त होठों का हिलना ज़रूरी है क्या या फिर दिल में भी पढ़ सकते हैं कि जिक्र करना होठों से ज़रूरी है या फिर सिर्फ दिल में भी पढ़ सकते हैं तो देखिए इस मामले में जिक्र की जब बात हो रही है तो भरा जिक्र दिल में भी हो सकता है और जबान से भी हो सकता है ठीक जैसा कि जिक्र जाकिरीन की एक सिफत है कि वो अल्लाह को दिल में भी याद करते हैं और ज़ाहिर भी याद करते हैं ठीक है तो डिपेंड है अगर आपको लगता है जाहिर याद करना आप बेहतर है तो हाँ जाहिर कीजिए जहां लगता है कि जाहिर से लोग समझेंगे यार ये या आदमी बहुत अपना तखवा और फला बता रहा तो आप दिल में भी कर सकते हैं दोनों बातें इसलिए कि जिक्र का ताल्लुक अल्लाह की जात से है। तो बहरहाल दिल में हो या जाहिर हो अल्लाह ताला उसको सुनता है कुछ जिक्र ऐसे जिसको आपको वर्बली बोलना ही पड़ेगा उसका हुक्म है कि इसको बताओ जैसा ला इलाहा इल्लल्लाह जब कोई इंसान इस्लाम कबूल करे तो ये गवाही उसको खुलकर ही देना पड़ेगी वो दिल में नहीं दे सकता है गवाही सिवाय इसके कि डर हो कि मार दिया जाए तो वो दिल में दे रहा है कंडीशन मतलब हमेशा रहते ही इस्लाम में हर चीज़ के लिए एक्सेप्शनल होता ही है कभी भी तो एक्सेप्शनल है कि मार मरने का डर हो तो दिल में कबूल कर ले और बाद में कभी ज़ाहिर भी करते हैं मुसलमानों के सामने या फिर मौका ना आए तो एक अलग बात है तो बहरहाल दिल में भी हो सकता है ज़ाहिर भी हो सकता है ये डिपेंड है बहरहाल आप क्या जिक्र करें हालात माहौल माशरे के ऊपर का इसी में हम अपनी बात खत्म करेंगे आखिर दावान अब आलमिन सुबहानरबिकबुल्जत मैसफून वालमरसलीमिन वल्हदाबीआलमिन